बस अभी थोड़ी पौंडी बज रही है ज्यादा अकाउंट ही ओपन होना और की होना पैसे कुछ नहीं पैना पहले अकाउंट ही ओपन होना फिर पैसा लगा पैना चलो माइक बंद कर ले ईमेल आ गई आपको वाइवा के बारे में? जी सर आ गई है। जी जी ठीक है, दैट्स गुड। अच्छा कहाँ तक पहुँचे थे हम अभी? जी हमने पढ़ लिए हैं सर। वाइवा का मार्क्स आपने एब्सोल्यूट ऐड करना है 15 वेटेज में? यस अभी तो एब्सोल्यूट ही है, एब्सोल्यूट है। कम हो सकते हैं वैसे, मैं अभी देखूंगा कि क्विज के 5 कर दूं या 10 है ना, तो वो जब सारे असेसमेंट हो जाएंगे फिर उसके बाद ही, लेकिन फिलहाल मेरा ज़हन यही है कि 15 एब्सोल्यूट ही होंगे, 15 इसके होंगे और 15 जो है वो एक और असेसमेंट है उसके 15 मार्क्स होंगे। सर अभी क्विजेस भी लेना चाह रहे थे जो हम लोगों ने ऑन कैंपस लिए थे, अगर वो चेक हो गए हैं तो हम कलेक्ट कर सकते हैं अगर हम यूनिवर्सिटी? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। दो हुए थे ना? बिल्कुल कर सकते हैं। जी सर दो हुए थे। हाँ हाँ जी बिल्कुल कलेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके मार्क्स अपलोड हुए हैं, क्विज आप खुद देख सकते हैं किसी भी टाइम। ठीक है ओके हम कहाँ तक पहुँचे थे, ये हमने पढ़ लिया हुआ था सर? हमने मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन तक पढ़ लिया था। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज प्रोडक्शन तक, ठीक है यहाँ तक ये हमने कर लिया हुआ था। जी सर ये हो गया। ठीक है आगे हम ये वाला कवर है। जी सर ये भी हो गया था। ठीक है दिस वन एंड दिस हाइब्रिडोमा प्रोसीजर? नहीं सर ये नहीं किया। ये कर लिया था? नो सर। एंड दिस वन? जी सर ये हो गया। ओके सो दिस इज द रेपिटेशन फॉर ऑफ द ऑफ दिस वन। ठीक है कोई एक्सप्लेन कर दें इसको, कौन एक्सप्लेन करेगा? एक दो मिनट ले लें। जुनेरा जाहिद है ना? जुनेरा जी सर इधर ही हूँ, एक मिनट दे मैं देख के। एक दो मिनट दे लेने, ये देखें फिर बताएं किसने क्या किया। ओके ओके सर मैं एक्सप्लेन करूँ? जी 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 आप कर सर। इसके अंदर यही बताया हुआ है कि जब हम लोगों ने एंटीबॉडी की प्रोडक्शन करवानी है, जो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज हमें चाहिए एक तरह की टाइप की जो स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट वर्क करे, तो उसके लिए हम सबसे पहले किसी भी अपने ऑर्गेनिज्म की जो हमारे पास टेस्टिंग
वो होगा एनिमल, उसको अंदर हम इम्यूनाइजेशन करवाएंगे, उसको हम उसके अंदर थोड़ा सा एंटीजन एक स्पेसिफिक अमाउंट की हम उसमें करेंगे ताकि उसकी बॉडी नेचुरली एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करे. फिर हम उनको आइसोलेट करवा के ट्यूमर सेल्स जो हम लोगों ने जिनका कल्चर लगाया होगा सेल लाइन कल्चर, उसके अंदर उनको फ्यूज करवाएंगे और उस फ्यूजन के बाद वो हाइब्रिड सेल्स बनेंगे जिनको हम हाइब्रिडोमा सेल्स कहते हैं. तो फिर उसके बाद उन हाइब्रिडोमा सेल्स को हम लोग स्क्रीन आउट करेंगे कि जो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज हम लोगों को चाहिए वो वाली कौन सी एंटीबॉडीज जो फास्टली प्रोड्यूस कर रहे हैं वो स्पेसिफिक हाइब्रिडोमा सेल्स. उसके बाद उनका स्पेशली उनको क्लोन करेंगे, उनका कल्चर लगाएंगे और फिर अल्टीमेटली जब हम उनकी उनको आइसोलेट करके उनका कल्चर लगाएंगे तो हमारे पास एक स्पेसिफिक कल्चर आ जाएगा जो हमारी स्पेसिफिक जो हमारी एंटीबॉडीज होंगी उन्हीं के लिए होगा और उसके अंदर हमारे पास कोई एक्स्ट्रा या अनवांटेड एंटीबॉडीज नहीं होंगी. और ट्यूमर से हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इनकी ये प्रॉपर्टी होती है कि ये फास्टली डिवाइड करते हैं और ये एक तरह के मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो इस वजह से हमारे पास जल्दी ज़्यादातर सेल डिवीजन की कॉलोनीज आ जाती हैं. और बी सेल्स को सेपरेटली यानी मींस कि अगर प्लाज्मा सेल्स हैं हम उसको यूज नहीं करते, लाइक अगर हम सिर्फ उसी को यूज कर लें कल्चर में, क्या मतलब व्हाई वी गो फॉर अ ट्यूमर सेल्स अ हाइब्रिडोमा, तो अगर बी सेल्स को हम यूज कर लें डायरेक्टली. सर बी सेल्स के वो एक उनकी अपनी एक वो भी होती है ना, हाफ लाइफ होती है, जो सेल्स को जो ऑल्टर्ड होंगे वो अल्टीमेट से डिवाइड करें उन पे इफेक्ट नहीं आता ज्यादा इन एग्जैक्टली जो होती है कंडीशंस का, तो इस वजह से हम ठीक है ठीक है इट्स गुड. अच्छा जुनेरा आर यू वांट टू ऐड समथिंग? जी जी इसके साथ ऐड करना. जैसे इसी के अंदर यही है कि माउस के अंदर उन्होंने एंटीजन जो है इंजेक्ट कराया, उसके बाद जो एंटीबॉडी फॉर्मिंग सेल्स थे उनको उसी के जो सेल्स थे उन्हीं के ट्यूमर सेल्स लिए उन्होंने और उनको फ्यूज करा दिया तो हमारे पास हाइब्रिडोमास बन गए. फिर जो हमारे पास हमें जो एंटीजन एंटीबॉडी चाहिए थी वो स्पेसिफिक हाइब्रिडोमास सेलेक्ट किए, उनकी हमने बाद में जो है वो प्रोडक्शन करा ली और बाद में हमारे पास मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बन गए उससे. ठीक है चले, सो वी आर रेडी टू मूव फॉरवर्ड. अब ये देखें कि we have like the pro, what is actually the procedure to produce hybridoma. The first step, as you know better than me, that we need to immunize mice, we need to select the mice donors for the generation of hybridoma cells. So we need to immunize and then we need to take the B cells from that mice and we need to sacrifice that thing, that mice. And then so first is immunization. And the second thing is the screening of mice for antibody production. So first हम क्या करेंगे कि mice को immunize करना है, तो कोई भी antibody हम inject करेंगे and that we will immunize that mice और we will make sure कि हमारे required antibodies बन रहे हैं कि नहीं. ये हम किस तरह make sure करेंगे, हमें किस तरह पता चलेगा कि mice antibody produce कर रहा है कि नहीं on the first instance, किस तरह पता चलेगा? Anybody could answer? एनिमल फैसिलिटी एंड यू इंजेक्ट लाइक इंसुलिन के अगेंस्ट आप एंटीबॉडी बनाना चाह रहे हैं, हम एंटीबॉडी बनाना चाह रहे हैं, हम क्या करेंगे, हमने इंसुलिन के प्रोटीन को लेना है प्योरिफाइड और उसको इंजेक्ट करना माइस के अंदर. ठीक है, तो सो वी नीड टू इम्यूनाइज दैट माइस, एडजुवेंट यूज करें, जो भी जो प्रोसीजर है वो करके उसके बाद हमने मेक श्योर किस तरह करना है कि एंटीबॉडीज बन रही कि नहीं बन रही. तो सर हम ये भी तो कर सकते हैं ना कि उसका सिंपल हम सर उसका ब्लड लेंगे, ब्लड लेके सर उसको हम चेक कर लेंगे उसके अंदर रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा. नहीं अगर उसको कोई और इन्फेक्शन हो फिर
जस्ट सिंपली आपने कहीं और नहीं भेजना, यू आर इन द लैब, यू हैव एवरी फैसिलिटी, यू थिंक ऑफ अ फैसिलिटी एंड यू हैव, सो आपने क्या करना है, यू विल डू इलाइजा, यू विल डू इलाइजा, इलाइजा किया हुआ ये नहीं हुआ सर, पढ़ा हुआ है थोड़ा, पढ़ा हुआ है ना, सो यू विल डू इलाइजा, ठीक है. सो इलाइजा में क्या करेंगे आप, हमने जो प्रोटीन लाइक फॉर एज एंटीजन यूज किया पूरी क्लास, क्योंकि यहाँ पे माइक्रो के भी लोग हैं और बायोटेक के भी लोग हैं, सो ये समझ लें कि हमने लाइक कोई एंटीजन लिया, ठीक है, और वी इंजेक्टेड दैट इन द माइस, और वहाँ पे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो गए उसके अगेंस्ट, ठीक है, वी गॉट द एंटीबॉडीज, नाउ वी विल ड्रैग द ब्लड, वी विल टेक द ब्लड फ्रॉम दैट, वी विल टेक द एंटीसीरा, और फिर उसके हम क्या करेंगे, एलाइजा लगाएंगे. अब वही एंटीजन जो हमने यूज किया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, हमने वही एंटीबॉडी, वही एंटीजन यूज करना है फॉर द डिटेक्शन ऑफ, ओके वेट वेट वेट, सर आपकी आवाज नहीं आ रही. माइक अनम्यूट है सर. सर आपकी आवाज नहीं आ रही. ओके सो सॉरी, आई एम सॉरी. अच्छा आप बात कहाँ से कहाँ हो रही थी कि इफ वी हैव वी वांट टू डिटेक्ट द एंटीबॉडीज दैट आर स्पेसिफिक टू आवर रिक्वायर्ड एंटीजेंस आर नॉट, सो व्हाट वी विल डू इलाइजा. इलाइजा में क्या होगा, लाइक वी प्रोड्यूस्ड एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज हमारे पास आ गए हैं, वी हैव मैनी मैनी एंटीबॉडीज, एंड वो एंटीबॉडीज जो हैं वी वॉन्ट टू मेक श्योर कि दीज एंटीबॉडीज आर फॉर स्पेसिफिक एंटीजेंस आर नॉट, सो व्हाट वी विल डू. Actually, we will be having ELISA setup. ELISA में क्या करेंगे कि हमने एंटीजिन को इसके ऊपर कोट कर देना है. जब एंटीजिन को कोट करेंगे उसके बाद क्या करेंगे, इन एंटी जो एंटीबॉडीज हैं हम इनको चेक करेंगे कि ये बाइंड कर रहे हैं कि नहीं. अगर ये यहाँ पे बाइंड करें ठीक है, अगर ये बाइंड कर जाए सो दैट विल मीन के एंटीजिन द एंटीबॉडी आर स्पेसिफिक टू आवर एंटीजन, ठीक है. अब इन एंटीबॉडीज के साथ एक एंजाइम लिंक्ड होता है, दीज एंटीबॉडीज आर लिंक्ड विद एंटी विद द एंजाइम, और उस एंजाइम के लिए हम कोई सबस्ट्रेट यूज करेंगे जो इस एंजाइम को इस सबस्ट्रेट को यूटिलाइज कर सके. अब ये सबस्ट्रेट हमें कलर देगा और उस कलर के बेस पे हम कहेंगे कि दीज एंटीबॉडीज हैव बीन बाउंड टू द एंटीजन आर नॉट, सो दैट विल मेक अस श्योर कि ये जो है एंटीबॉडीज जो है वो बाइंड कर रही है कि नहीं. इज इट क्लियर सर? जी जी सर. एक और चीज भी तो हो सकती है, फिर हम उसमें इंजेक्ट करवाने की जरूरत ही नहीं है. क्या कहते हैं हमारा जो जिसमें भी हम डिटेक्ट कर रहे हैं होस्ट का, जो हम सिंपल उसका ब्लड लेके सर आउटसाइड ही कर सकते हैं ना. नहीं मैं आपकी आपकी क्वेश्चन नहीं समझा, क्या क्या करना है सर? हमने आप कह रहे हैं कि आप रिएक्शन देखना चाह रहे हैं कि जो हमारी एंटीबॉडीज हैं वो एंटीबॉडीज हैं वो हमारा जो एंटीजन है उसके अंदर उसके अगेंस्ट वो एक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा. यानी तो सर हम उसके अंदर क्यों सर इंजेक्ट करवाने की जरूरत है, अगर हम उसका सिंपल वहां से ब्लड लें, ब्लड लेके सर उसको उसके अंदर क्या कहते हैं हम एलाइजा के थ्रू हम एंटीबॉडीज जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दें.
मैं आपका क्वेश्चन अभी भी नहीं समझा, अगर आप दोबारा बता दें। जी जी सर, एलाइजा तो हम इसलिए करते हैं ना, हम देखना चाह रहे हैं कि क्या उस एंटीजन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज थी जो के लेबल थी किसी एंजाइम के साथ, वो उस पे जाके बाइंड करके एक्ट कर रही है कि नहीं कर रही, यही देख रहे थे। हाँ ये देखें, यहाँ पे हमने उसको क्या किया, इंजेक्ट किया, ठीक है। अब हम इस एक मिनट, इससे पहले कर लें, यहाँ पे हम इस एनिमल में अब देखना चाह रहे हैं कि ये इस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई है कि नहीं। तो हमने इसके लिए क्या करना है, हमने इसके लिए एलाइजा कर लगाना है, वही एंटीजन जो हमने यहाँ पे यूज किया हुआ वही उसको हमने कोट करना है प्लेट के ऊपर, ठीक है। और उसके अगेंस्ट हमने यहाँ पे जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुई है वो देखनी है। सो अगर वो एंटीबॉडीज यहाँ पे बाइंड हो गई इसके साथ, सो इसका मतलब है कि दीज एंटीबॉडीज दैट हैज बीन प्रोड्यूस्ड आर स्पेसिफिक टू द एंटीजन, टू दीज एंटीजन। सर ये तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो उसके अंदर नेचुरल प्रोसेस हो रहा है, हम आर्टिफिशियली इस तरह कर सकते हैं कि जो हमारे पास आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज हैं वो हम इंट्रोड्यूस करवा के चेक कर सकते हैं उस एंटीजन के अगेंस्ट स्पेसिफिसिटीज की। आर्टिफिशियली कहाँ से प्रोड्यूस करके? इस तरह सर अब देखे ना, अब इसमें ये हुआ था कि हमने उसके अंदर जो क्या कहते हैं सीरम इंट्रोड्यूस करवाया था एंटीजन, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनी थी, क्या हम एंटीबॉडीज का सीरम उस एंटीजन के अगेंस्ट एलाइजा के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, अगर हमारे पास एंटीबॉडी मौजूद है ना किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट, तो फिर हमें एनिमल की जरूरत नहीं पड़ती। हम तो अगर लेकिन तो लेकिन एंटीबॉडी हमारे पास आएगी कहाँ, उसका सोर्स ही एनिमल है, ठीक है। और अब आजकल कुछ काइमेरिक एंटीबॉडीज फिर बन रही है, वो सारी कुछ चीजें हो रही है, वो आगे जाके हम अभी पढ़ेंगे। लेकिन अब ये जो सोर्स है ना, दिस सोर्स इज इम्पोर्टेंट, ये कहाँ से आएगी, ये एंटीबॉडीज कहाँ से आएंगी। और हमें सिर्फ वो एंटीबॉडी चाहिए जो मोनोक्लोनल हो, मीन्स के एक टाइप ऑफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो, ठीक है। सो हाउ वी कैन गेट दैट इज इम्पोर्टेंट। सो अब यहाँ पे अगर हम देखें, ओके सो फर्स्ट स्टेप वॉज इम्यूनाइजेशन है, माइस को इम्यूनाइज करना है। द सेकंड स्टेप क्या है, स्क्रीनिंग ऑफ द माइस एंटीबॉडी, इनकी स्क्रीनिंग करनी है। और स्क्रीनिंग किसके थ्रू करेंगे, एलाइजा के थ्रू करेंगे। एलाइजा को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, हमने यहाँ पे जो देखा है इसके साथ डायरेक्ट ये बाइंड नहीं होता, हमने एंटी एंटीबॉडी यूज करना है, वो आगे जाके हम डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल फॉर द कॉन्सेप्ट जो के उसके साथ मिक्स ना हो, तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि इम्यूनाइजेशन, एंड सेकेंड स्टेप इज स्क्रीनिंग। सेकेंड स्टेप इसका स्क्रीनिंग है कि हमने स्क्रीनिंग करवानी है, फर्स्ट स्टेप में इम्यूनाइजेशन करवानी है, एंड दैट्स इट। अच्छा नेक्स्ट क्या है, प्रिपरेशन ऑफ माइलोमा सेल्स, वी नीड माइलोमा सेल्स। अब यहाँ से हमने जो प्लाज्मा सेल्स हैं वो लेने हैं, उनको फ्यूज करवाना है माइलोमा सेल्स के साथ। और वो क्यों करवाना है कि प्लाज्मा सेल्स जो ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमने मेक श्योर एलाइजा के थ्रू कर लिया था कि एंटीबॉडीज बन रही हैं। इसके बाद हमने क्या करना है कि वो प्लाज्मा सेल्स लेकर इनको माइलोमा सेल के साथ फ्यूज करना है, क्योंकि यही प्लाज्मा सेल्स अगर हम इसको सेल कल्चर में ग्रो करें तो ये ग्रो नहीं होंगे बिकॉज ऑफ द लाइफ टाइम, क्योंकि इसका लाइफ टाइम कम है एंड इट हैज शॉर्टर हाफ लाइफ इसका कम है, इस वजह से ये ज्यादा ग्रो नहीं कर सकेंगे। इस वजह से दैट्स व्हाई वी नीड माइलोमा सेल्स टू मल्टीप्लाई दीज सेल्स फॉर अस। सो हम इन दोनों को फ्यूज कर लेंगे, दोनों सेल्स को, बी सेल्स और नॉर्मल बी सेल्स और माइलोमा सेल्स को, और इनको फिर हाइब्रिडोमा बना के फिर वहां से हम एंटीबॉडीज कलेक्ट कर सकेंगे। सो अब फ्यूजन ऑफ माइलोमा विद इम्यून स्प्लीन सेल्स हमने फ्यूजन करवानी है, एंड देन क्लोनिंग ऑफ हाइब्रिडोमा सेल लाइंस, मींस के उसके बाद हमने मल्टीप्लाई करना है इन सेल लाइंस को, एंड दैट इज फॉरएवर थिंग फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, स्पेसिफिक एंटीबॉडीज एंड स्पेसिफिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज फॉर अस। अच्छा अगर हम देखें तो इनिशियली पहले क्या किया करते होते थे कि एक वायरस है सेंडाई वायरस जो है ये क्या करता है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिसरप्ट कर लेता है। सो हम ये चाह रहे हैं कि दो सेल्स को फ्यूज कर लें। अब यहाँ पे ये चाह रहे थे कि ये स्प्लीन के सेल्स जो हैं, दीज सेल्स और एंड दीज माइलोमा सेल्स, इनको फ्यूज कर रहे हैं। तो पहले क्या करते थे कि हम कोई एक वायरस है सेंडाई वायरस, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को वो डिस्टर्ब कर लेते हैं, एंड दीज टू सेल्स फ्यूज टुगेदर। बट नाउ वी आर यूजिंग पॉली इथाइलीन ग्लाइकोल इंस्टेड ऑफ यूजिंग एनी वायरस। सो पॉली इथाइलीन ग्लाइकोल को अगर हम यूज कर लें, सो दैट विल डू द सेम वर्क फॉर अस, दिस इज अ फ्यूजन एंड दिस विल फ्यूज दीज टू टाइप्स ऑफ सेल्स। अब इशू ये आता है कि लाइक
माइलोमा सेल्स भी आपस में फ्यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये भी आपस में फ्यूज कर सकते हैं और हाइब्रिड भी बन सकते हैं इन दोनों के। और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि तीन सेल फ्यूज कर जाएं, चार सेल फ्यूज कर जाएं, द पॉसिबिलिटीज आर देयर। सो अब उससे बचने के लिए व्हाट वी विल डू, वी विल लाइक फर्स्ट थिंग इज वी विल फ्यूज द सेल्स टुगेदर इन जनरल फ्यूजन बिटवीन थ्री आर मोर सेल्स आर अनस्टेबल। सो तीन या तीन से ज्यादा सेल्स जो हैं वो अगर फ्यूज हो जाएं तो वो अनस्टेबल होंगे। और एंड द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ फ्यूज सेल्स ग्रोइंग आउट ऑफ द सेल्स ऑफ द कल्चर आर प्रोडक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन टू पेरेंट सेल्स। सो दो या दो से ज्यादा सेल्स अगर फ्यूज हो जाएंगे तो वो अनस्टेबल होंगे। सो वी विल नॉट बी क्यूरियस अबाउट दैट, वी विल ओनली नो दैट, वी विल नो दैट ओनली टू सेल्स कैन फ्यूज। और वो दो सेल्स जो हैं उनको अब हमने देखना है, ये भी हो सकता है कि दो माइलोमा सेल्स फ्यूज कर जाएं, या माइलोमा सेल्स आपस सिर्फ सिंगल माइलोमा सेल्स हों कि देन दैट कैन मल्टीप्लाई। फॉर दैट वी हैव दैट इज अ प्रॉब्लम फॉर अस। सो उसके लिए उसके साथ हम क्या करेंगे, लेट्स सी दैट। अब हाइब्रिड फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ टू एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग बी सेल्स विल नॉट ग्रो आउट ऑफ दिस कल्चर बिकॉज बी सेल्स हैव रिलेटिवली शॉर्ट लाइफ टाइम, वी हैव डिस्कस दिस थिंग बिफोर। एंड द हाइब्रिड फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ टू आर मोर कैंसरस सेल्स वुड हैव द पोटेंशियल टू ग्रो आउट फ्रॉम द इनिशियल फ्यूजन एंड कम्पीट सक्सेसफुली फॉर द न्यूट्रेंट। ये न्यूट्रेंट के लिए ये सक्सेसफुली वो करेंगे, लाइक बी सेल्स जो हैं ये बी सेल्स के साथ कम्पीट करेंगे। सो अब हाउ टू अवॉइड दिस थिंग, दिस इज अ प्रॉब्लम नाउ। समझ आ रही है व्हाट आई वांट टू से? सर ये सेंडाई वायरस का मतलब ये फ्यूजन करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। हाँ ये एग्जैक्टली ये पहले फ्यूजन के लिए ये यूज होता था, लेकिन अब लोग पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल पैग यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो वी डोंट नीड एनी मोर वायरस। कैसे मतलब होगी, मतलब दो सेल आपस में मिल जाएंगे, साइटोप्लाज्म मिलेगा उनका, क्या मिलेगा? हाँ साइटोप्लाज्म मिल जाए, हाँ न्यूक्लियस भी मिल जाएंगे, साइटोप्लाज्म भी मिल जाएंगे। ये एक नेचुरल फिनोमेना है। वैसे नेचुरली भी कुछ फंगस इस तरह हैं जो सुपर सेल्स बनाते हैं, मींस के उस सेल्स वॉल को ब्रेक करके, जब सेल वॉल ब्रेक होता है तो मल्टीपल सेल्स, जी 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 जी, सो दैट कैन हैपन, यस यस बिल्कुल। सो दिस कैन हैपन, ये देखा गया कि सेल जो न्यूक्लियस है वो भी फ्यूज कर जाते हैं एंड दे बिकम वन सेल, ठीक है। सो अब ये देखें, लाइक थ्री आर मोर सेल्स अनस्टेबल होंगे, इस वजह से वो मल्टीप्लाई ज्यादा नहीं करेंगे। बी सेल्स जो हैं वो लाइफ टाइम उनका कम है, हाफ लाइफ टाइम कम है, सो दैट्स व्हाई दे कुड नॉट रेप्लिकेट, दे कुड नॉट मल्टीप्लाई। ओनली द प्रॉब्लम, ओनली द टू द बी सेल्स विद माइलोमा सेल्स दे विल फ्यूज टुगेदर एंड दोज विल ग्रो सक्सेसफुली। But the problem is the fusion of two or more cancer cells. अगर myeloma cells आपस में fuse कर जाएं, so that can be a problem. So how to tackle that thing? So now, अब ये देखें, the Kohler and Milstein used myeloma cells lacking enzyme hypoxanthine guanine phosphoribosyl transferase. इन्होंने क्या किया था, इन्होंने नोबेल प्राइज भी लिया था, नोबेल प्राइज दे वॉन एंड बट वाई वट वॉज देयर टेक्निक, दे यूज माइलोमा सेल्स। सिर्फ माइलोमा सेल्स यूज नहीं किए थे, वो माइलोमा सेल यूज किए थे जिसमें एच जी पी आर टी ना हो। सो दीज माइलोमा सेल्स विल बी म्यूटेंट माइलोमा सेल्स, ये म्यूटेंट माइलोमा सेल्स होंगे, इसमें एच जी पी आर टी काम नहीं करेगा। सो बॉटम लाइन इज we will use those myeloma cells that will not have, that will lack HGPRT, ठीक है। अब HGPRT का function क्या है, basically जो cells हैं they have two pathways, two pathways, the first one is salvage pathway and the second one is de novo pathway. Salvage pathway kya hai, salvage pathway is the utilization of purines. Agar cell ke andar purines maujood hain ya culture ke andar purines maujood hain to DNA synthesis ke liye directly purines liye ja sakte hain. Purines kaun kaun se hain, A aur G. सो ए और जी जो है, ये प्यूरिन्स जो है ये डायरेक्टली लिए जा सकते हैं, ये बेसिस इनको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा किस में, पहले इनको इनकॉर्पोरेट किया जाता है न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्मेशन में, ठीक है। सो पहले न्यूक्लियोटाइड बनते हैं ना, और वो न्यूक्लियोटाइड जो है फिर क्या होगा कि वो न्यूक्लियोटाइड डीएनए सिंथेसिस और आरएनए सिंथेसिस के लिए फिर यूज होंगे, इसी तरह है ना,
सो अगर हमारे पास साल्वेज पाथवे काम कर रहा है, सो इसने प्यूरिन्स को, अगर सेल के अंदर प्यूरिन्स मौजूद हैं, सो वहाँ से इट कैन टेक प्यूरिन्स एंड दैट विल इंटीग्रेट द प्यूरिन्स टू मेक न्यूक्लियोटाइड्स एंड देन टू सिंथेसाइज डीएनए एंड आरएनए। अगर एचजीपीआरटी काम नहीं कर रहा, अच्छा अगर हमारे पास दूसरा पाथवे क्या है, डिनोवो पाथवे। डिनोवो पाथवे में ये जो प्यूरिन्स हैं फ्रॉम द स्क्रैच बनते हैं, लाइक ये बेसिस किससे बनते हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन, सो ये इससे यही बेसिस बनते होते हैं ना। सो डिनोवो पाथवे ये है कि वो फ्रॉम द स्क्रैच इट विल प्रोड्यूस द प्यूरिन्स एंड देन विल इंटीग्रेट इनटू द डीएनए एंड देन विल सिंथेसाइज इनटू द न्यूक्लियोटाइड एंड देन सिंथेसाइज डीएनए। सो बेसिकली वी हैव टू पाथवेज इन द सेल्स फॉर रेप्लिकेशन। सो अब देखें ये एचजीपीआरटी जो है, अगर ये काम नहीं कर रहा, एचजीपीआरटी काम नहीं कर रहा, सो दिस विल ब्लॉक द साल्वेज पाथवे। साल्वेज पाथवे ने काम नहीं करना, ठीक है, बिकॉज दिस इज रिक्वायर्ड फॉर साल्वेज पाथवे। सो एचजीपीआरटी काम नहीं कर रहा, दैट विल मीन कि साल्वेज पाथवे काम नहीं कर रहा, द माइलोमा सेल्स विल बी डिपेंडेंट ऑन डिनोवो पाथवे। इसने डिनोवो पाथवे पे डिपेंडेंट होना है। इसका ये भी मतलब हुआ कि हमारे पास अगर माइलोमा सेल्स हैं और उसमें ये एंजाइम काम नहीं कर रहा, तो अगर हम कल्चर में हम ये बेसिस ऐड कर भी दें तो ये वहाँ से पिक नहीं कर सकेंगे। इन्होंने डिनोवो पाथवे पे डिपेंड करना है और अपने लिए खुद प्यूरिन्स बनाने हैं। समझ आ रही कि नहीं? जी सर, आ रही समझ। ठीक है, सो अगर यहाँ तक समझ आ गई है, सो वी विल गो टूवर्ड मोर कॉम्प्लेक्सिटी, और वो ये कि अगर हम एक एंटीबायोटिक है जिसको कहते हैं अमीनोप्टेरिन। अमीनोप्टेरिन जो है दिस एंटीबायोटिक, दिस ब्लॉक, इसने क्या करना है, इसने ब्लॉक करना है डिनोवो पाथवे को, इसने डिनोवो पाथवे को ब्लॉक कर देना है। सो अगर हम मीडिया में अमीनोप्टेरिन ऐड कर दें तो ये सेल ग्रो नहीं कर सकेंगे, माइलोमा सेल ग्रो नहीं कर सकेंगे, बिकॉज दे वर डिपेंडेंट ऑन डिनोवो पाथवे, और डिनोवो पाथवे हमने अमीनोप्टेरिन को जब ऐड कर दिया है तो अब डिनोवो पाथवे भी काम नहीं कर सकता, सो दी सेल्स विल नॉट रेप्लिकेट। समझ आ रही है सर? वो पहला जो पाथवे था वो एचजीपीआरटी ना होने की वजह से ब्लॉक हो गया, और दूसरा जो था अमीनोप्टेरिन ना होने की वजह से ब्लॉक हो गया। नहीं, अमीनोप्टेरिन एंटीबायोटिक है, डालने की वजह से डिनोवो पाथवे ब्लॉक हो गया है। सही है, ठीक है। अच्छा, कोई यहाँ तक जो सर एक बार रिपीट कर दें, मोइज़ अगर आप जी कोई और रिपीट कर देगा तो ये अच्छा होगा, क्योंकि किसी और के वर्डिंग में हो जाए तो वो ज्यादा इजी हो जाएगा। कोई भी एक्सप्लेन कर दें, जितनी समझ आई है वो बता दें। सर जो कोहलर और मिल्स्टीन थे ना, इन्होंने माइलोमा सेल्स वो वाले लिए थे जिनके अंदर एचजीपीआरटी नहीं होता। जब एचजीपीआरटी नहीं होगा ना तो साल्वेज पाथवे जो है वो ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। एडिनिन और गुआनिन जो प्यूरिन्स जो होंगी भी तो उनसे डीएनए और नहीं बनेगा, डीएनए बनेगा तो आरएनए नहीं बनेगा, सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। इससे तो साल्वेज पाथवे जो था वो स्टॉप हो गया। अब जो था डिनोवो पाथवे था, उन्होंने इसको स्टॉप करने के लिए अमीनोप्टेरिन डाली, ठीक है, एंटीबायोटिक थी, जिसकी वजह से क्या आते हैं जो था डिनोवो पाथवे स्टॉप हो गया, और जो डीएनए की सिंथेसिस थी वो भी स्टॉप हो गई, और आगे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन स्टॉप हो गई। तो सेल ने मल्टीप्लाई नहीं करना, सेल विल डाई, जी, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन स्टॉप माइलोमा सेल्स, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्चुअली हम माइलोमा सेल को स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। मोइज अगर आप खुद रिपीट कर दें इन चीजों को तो फिर हम आगे चलेंगे। सर मैं मतलब जहां तक मुझे समझ आई है मैं उसका गो थ्रू करता हूं उसको, कि एक जो साल्वेज पाथवे है वो यानी के लैकेज ऑफ हमारी कोई एंजाइम जो है एचजीपीआरटी उसकी बेस पे होता है, और जो डिनोवो है वो एंटीबायोटिक की क्या कहते हैं एडिशन की वजह से वो क्या कहते हैं वो स्टॉप होता है। हाँ, तो अच्छा, इसमें अगर हाँ, कोहलर और मिल्स्टन थे तो उन्होंने माइलोमा सेल यूज किए वो जिनमें एचजीपीआरटी नहीं था। जब एचजीपीआरटी का काम क्या होता है कि ये यानी कि इसमें यानी कि फॉर वन ऑफ द टू पोटेंशियल ऑफ डीएनए सेंसेस को डीएनए सेंसेस को करता है, बट हाँ, अगर ये उसमें एंजाइम नहीं होगा तो फिर
एडेनिन एंड गुआनिन तो होंगे बट वो डीएनए की सेंसेस नहीं होगी प्रॉपर, तो साल्वेज पाथवे यानी कि नहीं होगा प्रॉपर, नहीं होगा। और अगर डिनोवो है, डिनोवो के अंदर हमने एंटीबायोटिक थी वो एडिशन की वजह से क्या कहते हैं डिनोवो पाथवे स्टॉप हो गया। हां तो ठीक है, तो बेसिकली दो पाथवेज हैं डीएनए सिंथेसिस के लिए, फर्स्ट वन इज सैलवेज एंड द सेकंड वन इज डिनोवो। सैलवेज अगर हम ये एंजाइम को ब्लॉक कर देना, एंजाइम ना हो तो सैलवेज ने काम नहीं करना, अगर हम अमीनो ट्रिन ऐड कर दें तो डिनोवो ने काम नहीं करना, ठीक है। सो दिस इज द बेसिस ऑफ दिस थिंग, कि हम हमें हम अगर हमारे हमारी समझ हो कि ये दो चीज़ें हम अगर यूज करके हम माइलोमा सेल को रोक सकते हैं फ्रॉम द मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। सो अब यहाँ पे पहले क्या था, पहले यहाँ पे मसला यही आ रहा था, यहाँ पे मसला यही आ रहा था इससे पहले, हाँ यहाँ पे मसला यही आ रहा था कि अगर हमारे पास माइलोमा सेल्स मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको किस तरह रोकेंगे माइलोमा सेल्स को, ठीक है। ये तो अगर हाइब्रिड बन गए तो दैट्स ओके, हम चाह रहे हैं कि हाइब्रिड जो है वो मल्टीप्लाई करें, लेकिन अगर माइलोमा सेल्स हैं तो वो भी तो मल्टीप्लाई करेंगे, उनको रोकने के लिए कोई मैकेनिज्म होना चाहिए माइलोमा सेल्स को, ठीक है। सो इसको रोकना है हमने, ठीक है, कि ये मल्टीप्लाई ना करें। अच्छा, इसको करने के लिए फिर क्या था कि दिस वॉज आवर बेसिस के लाइक एच जी पी आर टी नहीं होगा, सो साल्वेज पाथवे ने काम नहीं करना, सिमिलरली अमीनोप्टेरिन जब ऐड करेंगे तो डिनोवो पाथवे ने ब्लॉक हो जाना है। अच्छा, अब इसको देख लें, द अल्टरनेटिव पाथवे ऑफ डीएनए सिंथेसिस द डिनोवो पाथवे कैन बी इनहिबिटेड बाय द एंटीबायोटिक अमीनोप्टेरिन। अमीनोप्टेरिन को अगर यूज करेंगे तो इसने डिनोवो पाथवे को ब्लॉक कर देना है, एंड दैट्स इट। अच्छा, इन द प्रेजेंस ऑफ अमीनोप्टेरिन द म्यूटेंट ट्यूमर सेल्स, ये जो म्यूटेंट ट्यूमर सेल्स हैं एंड द ट्यूमर ट्यूमर हाइब्रिड, तो म्यूटेंट ट्यूमर सेल्स और ट्यूमर ट्यूमर हाइब्रिड जब बनेंगे, ठीक है, मींस के ट्यूमर सेल्स जब हाइब्रिड बनाएंगे, वुड अनएबल टू सिंथेसाइज न्यू डीएनए आइदर बाय साल्वेज पाथवे आर बाय डिनोवो पाथवे। मींस के साल्वेज पाथवे तो ऑटोमेटिकली उनमें था ही नहीं, तो डिनोवो पाथवे जो है वो हमने ब्लॉक कर दिया था बाय यूजिंग अमीनोप्टेरिन, सो दीज सेल्स विल नॉट मल्टीप्लाई, ठीक है। सो अब आ जाए एग्जैक्टली व्हाट वी वॉन्ट इन द हाइब्रिडोमास फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ बी सेल्स एंड द ट्यूमर सेल्स। जो हमने बी सेल्स और ट्यूमर सेल्स को फ्यूज करवाया है तो उसमें क्या होगा, द बी सेल्स वुड प्रोवाइड द एच जी पी आर टी, क्योंकि बी सेल में तो एच जी पी आर टी होगा ना, माइलोमा सेल में नहीं है, ठीक है। सो दीज हाइब्रिड वुड सर्वाइव इन द सेलेक्शन मीडिया। मीडिया में अगर हमने अमीनोप्टेरिन ऐड किया हुआ है तो अमीनोप्टेरिन ने ब्लॉक करना है डिनोवो पाथवे का, बी सेल्स का भी ब्लॉक कर देना है। बी अगर हमारे पास बी सेल्स हैं उसका भी, हमने इनको फ्यूज किया है ना बी सेल्स और माइलोमा सेल्स को, तो अगर हमने अमीनोप्टेरिन ऐड किया हुआ है तो अमीनोप्टेरिन ने इसके डिनोवो पाथवे को भी ब्लॉक करना है और इसके डिनोवो पाथवे को भी ब्लॉक कर देना है, ठीक है। अब जब ये दोनों सेल्स फ्यूज कर जाएंगे तो अब क्या होगा कि इन सेल्स में तो साल्वेज पाथवे नहीं था, इसमें है। सो अब जब ये फ्यूज कर जाएंगे सो साल्वेज पाथवे दिस विल बी डिपेंडेंट ऑन द साल्वेज पाथवे, ये साल्वेज पाथवे पे डिपेंडेंट होगा, ठीक है। सो साल्वेज पाथवे विल वर्क, साल्वेज पाथवे जब काम करेगा सो ये सेल जो सिर्फ हाइब्रिड जो है वो मल्टीप्लाई कर जाएंगे और बी सेल तो खुद ज्यादा देर के लिए नहीं रह सकते, तो इन ये जब फ्यूज हो जाएंगे सो दिस विल गिव द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन टू द हाइब्रिड एंड दिस विल गिव द प्रॉपर्टी ऑफ साल्वेज पाथवे टू द हाइब्रिड, ठीक है। सो अब अगर हम प्यूरिन को मीडिया में ऐड कर दें तो अब जो है वो डीएनए रेप्लिकेट करेगा एंड द सेल विल मल्टीप्लाई, द हाइब्रिड्स विल मल्टीप्लाई। जी सर, जिस तरह आपने कहा कि हम बी सेल और एम जो सेल है इन दोनों को हम फ्यूज कर देंगे, तो सर ये हो सकता है कि बी सेल के अंदर यानी कि प्रॉपर्टी हो साल्वेज पाथवे की और एम सेल के अंदर हो डिनोवो की, तो अगर एक टाइम में एक स्टॉप हो तो दूसरा वो नहीं, मतलब क्या कहते हैं, बेसिकली इन दोनों सेल्स में नेचुरली जो होते हैं ना सारे सेल्स में ये दोनों पाथवेज हैं, ठीक है। अच्छा, माइलोमा सेल्स हमने वो लिए जिसमें हमने एच जी पी आर टी ब्लॉक किया हुआ था, ठीक है। सो माइलोमा सेल में तो ब्लॉक है, बी सेल में ब्लॉक नहीं है, हमने अमीनोप्टेरिन को जब ऐड कर दिया तो दोनों के डिनोवो पाथवे को उसने ब्लॉक कर दिया, ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ एक पाथवे रह गया है बी सेल के अंदर और वो साल्वेज पाथवे है, लेकिन बी सेल ज्यादा देर के लिए मल्टीप्लाई नहीं कर सकता,
ठीक है, सो दिस बी सेल विल बी डिपेंडेंट ऑन माइलोमा सेल फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड दिस माइलोमा सेल विल बी डिपेंडेंट ऑन द बी सेल फॉर सैल्वेज पाथवे. ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ वो सेल मल्टीप्लाई करेंगे जिसमें वो हैबिट मल्टीप्लाई करेंगे जिसमें सैल्वेज पाथवे है, बाकी कोई सेल मल्टीप्लाई नहीं करेगा. सर ये डिनोवा पाथवे किस तरह ब्लॉक हुआ है उसमें? डिनोवा पाथवे हमने मीडिया में अमीनोप्टेरिन को ऐड किया है ना. यस सर. मीडिया में जब हम अमीनोप्टेरिन को ऐड करेंगे ना, तो ये डिनोवो पाथवे दोनों के को ब्लॉक कर देगा, दोनों के डिनोवो पाथवे को ब्लॉक कर देगा. इसमें तो इन सेल के अंदर सैल्वेज पाथवे काम नहीं कर रहा ना, लेकिन इसके अंदर काम कर रहे ये नॉर्मल सेल्स हैं, बी सेल्स. ठीक है, और ये म्यूटेंट है. जी जी, मैंने पूछना था कि हमने ये मतलब इसलिए एक्सपेरिमेंट किया है ताकि एक तो यह है कि ओवर मल्टीप्लिकेशन को मतलब कंट्रोल करने के लिए, और दूसरा ये है कि फ्यूजन ना हो, इसलिए किया? नहीं, हम फ्यूजन करवाना चाह रहे हैं. हम चाह रहे हैं कि बी सेल्स और माइलोमा सेल्स जो हैं ये फ्यूज हो. ठीक है, ये और फ्यूज हो, और किस में हमने मीडिया में क्या यूज करना है, अमीनोप्टेरिन ऐड करना है. अमीनोप्टेरिन को ऐड करके, हाँ, अमीनोप्टेरिन को जब ऐड करेंगे, जी जी, अमीनोप्टेरिन को जब ऐड करेंगे तो ये दोनों के इसके भी डिनोवो पाथवे को ब्लॉक कर देगा, इसके भी डिनोवो पाथवे को ब्लॉक कर देगा. सो दिस हाइब्रिड विल बी डिपेंडेंट ऑन द साल्वेज पाथवे. ये साल्वेज पाथवे पे डिपेंड करेंगे. साल्वेज पाथवे तो इसमें नहीं है ना, सिर्फ बी सेल्स में है, और जो बी सेल खुद मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इस वजह से इसको रिक्वायर्ड है माइलोमा. सो वो सेल मल्टीप्लाई करेंगे, उसका हाफ जो है वो माइलोमा हो और हाफ बी हो. सर वो एक प्रॉब्लम थी ना, मतलब कि बी और बी सेल और माइलोमा और माइलोमा सेल आपस में फ्यूज ना कर दें, इसको स्टॉप करना है. अच्छा, बी और बी अगर आपस में मिल भी जाए ना, तो वो ज्यादा देर के लिए मल्टीप्लाई नहीं कर सकेंगे, इस वजह से वो खुद ही खत्म हो जाएंगे. माइलोमा और माइलोमा अगर फ्यूज कर जाए, तो हमने क्या यूज किया हुआ, माइलोमा में तो साल्वेज पाथवे काम नहीं कर रहा, अमीनोप्टेरिन कर दिया, तो ये दोनों पाथवे से काम नहीं करेंगे, तो अकेला ये कुछ भी नहीं कर सकता, ये मल्टीप्लाई नहीं कर सकता. उन्होंने ये बताया कि हम सिर्फ हमारे हिब्रिडोमा एग्जिस्ट करें, बाकी सारे जो हैं वो खत्म होने सेल्स. एग्जैक्टली, बिल्कुल इसी तरह है, इसी तरह है. और सर ये वर्क भी मेरा क्या इस तरह करेंगे, अगर म्यूचुअल फंक्शन दोनों के होंगे तो फिर फ्यूज होंगे ये. बिल्कुल, एक फंक्शन एक प्रोवाइड कर देगा सैल्वेज वाला, और जो मल्टीप्लीकेशन वाला फंक्शन है वो माइलोमा प्रोवाइड कर देगा. ठीक है, इन दैट वे ये ऐसे में डिजाइन इस तरह किया गया है कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो हाइब्रिड जो है वो मल्टीप्लाई करें. अच्छा, कोई और है, कोई डिस्क्राइब कर दें जो जिसने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया, कोई भी डिस्क्राइब कर दें. सना जफर इज देयर? सना जफर, सना जफर जी, सना जफर बताएं इसको, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें अभी तक जो पढ़ा है, ये हाइब्रिडोमा किस तरह बनाएंगे. आपका माइक ऑन है, प्लीज बताएं. हेलो, जी जी जी, आवाज आ रही है आपकी? सर जितना मैंने सर हमने ये पढ़ा कि ओरिजिनल फ्यूजन भी होती है, वायरस पहले यूज होता था, लेकिन फिर अब जो है पॉलीएथाइलीन ग्लाइकोल यूज हो रहा है, और टू और मोर सेल्स जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, और इसके बाद हमने पढ़ा कि प्रोसीजर पहले इम्यूनाइजेशन होती है, फिर स्क्रीनिंग होती है एलाइजा के थ्रू. जी जी, बिल्कुल ठीक है. और फिर सर आगे जो है ये वाला फंक्शन, उसके दो थे, एक था सर्वेज पाथवे और एक डी नोवा पाथवे था. जी जी, बिल्कुल ठीक है, सर्वेज पाथवे और डी नोवा पाथवे हैं. ठीक है, और सर उसमें जो था सैल्वेज पाथ में जो है वो माइलोमा सेल्स यूज करते हैं, वो लैक करते हैं, उसमें IPGPRT नहीं होता, और डीनोमा पाथ में जो एंटी ब्लॉक हो जाता है जब एंटीबायोटिक्स यूज होते हैं जो अमीनोप्टेरिन है. सर इतना ही समझ आया मुझे. अच्छा चले, अच्छा कोई और एक्सप्लेन कर दें, वॉलंटियर है, नहीं वॉलंटियर नहीं, आपने तो एक्सप्लेन किया हुआ ना, आई वांट कि कोई और भी एक्सप्लेन कर दे, कोई और. जुनैरा नसीम जी. जी सर,
सर जो हाइब्रिडोमा का प्रोसीजर है उसमें सबसे पहले जो है इम्यूनाइजेशन करवाई जाएगी, कोई एंटीजन जो है उससे जैसे माइस की एग्जांपल लिया उसमें इंजेक्ट करवाया जाएगा जिसके खिलाफ फिर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी। तो सेकंड स्टेप है स्क्रीनिंग का, हमने इसमें चेक करना है कि एंटीबॉडीज जो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज वो स्पेसिफिक एंटीजन के खिलाफ प्रोड्यूस हो रही है कि नहीं। तो उसके लिए एलाइजा का प्रोसीजर किया जाएगा जिसमें कि जो स्पेसिफिक जिसके खिलाफ हमने एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करवानी है उस एंटीजन को उसकी कोटिंग करवाई जाएगी और फिर वो जो हमने जो एंटीबॉडीज बनी होंगी उसका मतलब जो एंटी सीरा होगा उसको टैग किया जाएगा विद एन एंजाइम, ठीक है। फिर जब वो एंटीबॉडी जो है अगर लिंक कर गई उस एंटीजन के साथ तो फिर जो उसका एंजाइम होगा वो कलर्ड प्रोडक्ट शो करेगा जिससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि स्पेसिफिक एंटीबॉडीज जो हैं मतलब ये जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही हैं ये उसी स्पेसिफिक एंटीजन के खिलाफ हो रही। थर्ड स्टेप आ जाता है फिर प्रेपरेशन ऑफ माइलोमा सेल्स। इसमें यह है कि अगर हम बी सेल्स यूज़ करेंगे तो बी सेल्स जो है उनकी लाइफ टाइम इतनी ज़्यादा नहीं होती तो हमें जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन है वो कुछ टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगी, लेकिन माइलोमा सेल्स जो हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं तो इसलिए माइलोमा सेल्स इसमें ज़्यादा एडवांटेज रखते हैं। फोर्थ स्टेप में आ जाता है फ्यूजन का। फ्यूजन जो है उसमें पहले जो है जैसे सना ने भी डिस्क्राइब किया पहले सेंडाई वायरस यूज़ किया जाता था लेकिन अब पॉलीथाइलीन ग्लाइकोल को यूज़ किया जाता है। इसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जो है एक तरफ तो बी सेल्स और माइलोमा सेल्स कंबाइन कर रहे थे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही थी कि बी सेल्स भी कभी कभी कंबाइन कर जाते थे आपस में और इसी तरह माइलोमा सेल्स भी। तो अगर तो क्या कहते हैं 3 से ज़्यादा सेल्स होंगे तो वो अनस्टेबल होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि वो मतलब अनस्टेबल होंगे तो खुद ही ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन जो बी सेल्स हैं वो उनका शॉर्ट लाइफ टाइम पीरियड होता है तो उनका भी इतना प्रॉब्लम नहीं था। मसला आ रहा था कि जो माइलोमा सेल्स के साथ कंबाइन कर जाते हैं उसका सारा प्रॉब्लम था। तो उसको फिर उसका सोल्यूशन ऐसे निकला कि ऐसे सेल्स लिए गए जिनके अंदर HGPRT एंजाइम नहीं था। जो होता है DNA सेंसिस के दो पाथवे होते हैं, एक होता है सेल्वेज पाथवे और दूसरा होता है डिनोवो पाथवे। सेल्वेज पाथवे का काम यह है कि उसने प्यूरेन्स जो सेल के अंदर है उनको यूटिलाइज करके DNA के सेंसिस करवानी है, जबकि जो डिनोवो पाथवे है उसने जो मतलब जो है फ्रॉम द स्क्रैच प्यूरेन्स को बनाना है। तो जब AGPRT एंजाइम नहीं होगा सेल्स के अंदर तो फिर जो सेल्वेज पाथवे है वो स्टॉप हो जाएगा और सिर्फ डिनोवो पाथवे होगा माइलोमा सेल्स के पास कि वो अब प्यूरिन फॉर्मेशन करके आगे रेप्लिकेशन करवा सकें। तो जब क्या कहते हैं फिर जब जो हम लोगों का उसमें अमाइनोप्टेरिन एंटीबायोटिक ऐड कर देंगे तो डिनोवो पाथवे ब्लॉक हो जाएगा, तो इस तरह जो जो माइलोमा सेल्स जो हैं दूसरे माइलोमा सेल कंबाइन हुए होंगे तो ना तो क्या कहते हैं AGPRT एंजाइम की लैक होने की वजह से ना उनके अंदर सेल्वेज पाथवे हो सकता है और दूसरा अमाइनोप्टेरिन एंटीबायोटिक होने की वजह से उनके अंदर जो है डिनोवो पाथवे भी नहीं हो सकता, तो फिर उस तरह उनकी रेप्लिकेशन हो ही नहीं सकती, वो उधर ही खत्म हो जाएंगे। ये सर बस अभी इतनी बात हुई है। ठीक है ठीक है। और हाइब्रिड किस तरह बनेंगे, हाइब्रिड किस तरह सर्वाइव करेंगे? हाइब्रिड इस तरह से सर्वाइव करेंगे कि जो बी सेल है वो HGPRT एंजाइम प्रोवाइड करेगा तो जो है सेल्वेज पाथवे हो सकता है, रेप्लिकेशन हो सकती है, और जो होगा ये माइलोमा सेल्स होंगे इनके पास क्या कहते हैं एबिलिटी होगी कंटिन्यूसली डिवाइड करने की, तो इस तरह फिर ये दोनों जब कंबाइन हो जाएंगे सिर्फ वो सेल का मल्टीप्लाई कर सकेंगे। जी सर। ठीक है, क्योंकि एक प्रॉपर्टी एक टाइप ऑफ सेल देगा, दूसरी प्रॉपर्टी दूसरे टाइप ऑफ सेल देंगे, तो इन दैट वे द फ्यू सेल द हाइब्रिड सेल विल हैव द एडवांटेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन अमीनोप्टेरिन मीडिया। जी जी ये हमने तो वो मतलब उसकी जो माइलोमा सेल्स हैं उनकी तो एबिलिटी हमने खत्म नहीं कर दी मतलब DNA सिंथेसिस और इस चीज की। हाँ, तो वो फिर कैसे मल्टीप्लाई करेगा? नहीं नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ अगर बी सेल के साथ फ्यूज कर गया ना, तो वो जब फ्यूज कर गया तो जब फ्यूज हो जाएंगे तो उस सेल के अंदर ये बी सेल का DNA भी मौजूद है, तो बी सेल के अंदर जो सेल्वेज पाथवे है वो एक्टिव है। ठीक है, तो वो मल्टीप्लाई वो सेल्वेज पाथवे यूटिलाइज करेगा, वो सेल जो हाइब्रिड सेल है वो यूटिलाइज करेगा। जी जी ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन, कोई बात हो, कोई कॉमेंट हो, या शुड वी गो फर्दर? अनशरा आपको समझ आ रही है? अनशरा अनशरा इज हियर नॉट?
ताहिर आपको समझ आ रही है? ताहिर यस सर जी समझ आ रही है आपको? जी सर जी जी ठीक है चलें। अब देखें कोई मुश्किल तो नहीं है ताहिर? नो सर ठीक है। अच्छा अब देखें अब हमने जो अमीनोप्टेरिन ऐड किया हुआ है नॉर्मली करते क्या हैं कि अमीनोप्टेरिन के साथ हाइपोजेंथीन और थायमिडीन यूज कर लेते हैं। इस मीडिया को हम हैट मीडिया कहते हैं, मींस हाइपोजेंथीन अमीनोप्टेरिन एंड थायमिडीन ये तीनों कंपोनेंट मिलके तो इस मीडिया को हम क्या कहेंगे, हैट मीडिया कहेंगे। सो आपने अगर पिछले उसमें देखा हो कि यहाँ पे हाँ दिस वन बल्कि यहाँ पे इनिशियली जब हम जहाँ से हमने शुरू किया था कि इन हाइब्रिड सेल्स को हमने लेकर हैट मीडिया पे ग्रो करना है, तो यहाँ पे उस वक्त हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे क्योंकि हमने चीज़ें स्टडी नहीं की थी, कुछ चीज़ों के एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत थी। तो वहाँ पे हमने सिर्फ ये कहा था कि हैट मीडिया हम यूज़ करेंगे एंड इन दैट वे वी विल गेट ओनली हाइब्रिड्स। अब हमारे पास हाइब्रिड तो आ गए लेकिन ये डिफरेंट टाइप्स के हाइब्रिड होंगे, कुछ ने ये वाले एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने हैं जो हमने चैलेंज किया हुआ है, जिस एंटीजन से चैलेंज किया हुआ है, कुछ ने कुछ और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने हैं, ठीक है। सो हमारे पास मिक्सचर ऑफ एंटीबॉडीज मिक्सचर ऑफ हाइब्रिडोमा सेल्स आ जाएंगे। अब इन सब हाइब्रिडोमा सेल्स को हमने किस तरह जानना है कि विच ऑफ द सेल इज प्रोड्यूसिंग आवर डिजायर्ड एंटीबॉडी। सो अगेन हमने इनको कल्चर्स को डिवाइड करना है, सारे कल्चर्स को हमने टेस्ट करना है कि वो कौन से एंटीबॉडी बना रहे हैं। एंड अगेन वी विल यूज एलाइजा टेस्ट हियर। यहाँ भी हमने एलाइजा कर रहे थे इसको कंपेयर वो बना चेक करने के लिए कि एंटीबॉडी बन रही है कि नहीं। यहाँ भी हम एलाइजा करेंगे कि हमारी रिक्वायर्ड एंटीबॉडी बन रही है कि नहीं और किस सेल किस हाइब्रिडोमा सेल में बन रही है। सो लाइक फॉर इंस्टेंस दैट इज द हाइब्रिडोमा सेल दैट इज प्रोड्यूसिंग आवर रिक्वायर्ड एंटीबॉडी। सो वी विल सेलेक्ट दिस सेल लाइन, हम इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे और इसने फिर हमें बहुत सारे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज दे देने हैं। जी मोइज अब बताएं। सर मैं हूँ शारीस। सर मैंने ये पूछना था, अच्छा एलाइजा जो होगा उसमें ब्लड हम लेके बाहर टेस्टिंग करेंगे या एंटीजन कहते हैं इंजेक्ट कर देंगे उसके अंदर? नहीं नहीं बाहर टेस्ट तो बाहर है, वो आगे जाके हम एलाइजा ही पढ़ेंगे। हाँ जी जी ठीक बाहर है जी जी बाहर है वो ठीक है। तो हम एलाइजा के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। एलाइजा में तो एलाइजा में तो सर ये होता है ना कि हमने आपने जिस तरह मैं पहले बताया था कि हमने एंटीजन इंजेक्ट कर दी, वो अंदर जाके फिर रिएक्शन उसका स्टार्ट हो गया, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होना लग गई, तो हाँ, उसके बाद एलाइजा करेंगे ना उसका ब्लड सैंपल लेके। हाँ मींस के हमने क्या करना है, इससे ब्लड लेना है, उस ब्लड से फिर एंटीसीरा लेना है और उसका फिर एलाइजा करना है। और एलाइजा जो है एलाइजा प्लेट होते हैं, एलाइजा वहाँ पे उसमें एलाइजा वेल्स हैं, उसमें हम एलाइजा लगाएंगे एंड वी विल वो एंटीबॉडीज हम यूज करेंगे और वो एलाइजा हम लगा के हम चेक करेंगे कि ये एंटीबॉडीज हैं बाइंड कर रही है कि नहीं, एंड दैट्स इट ठीक है। यस एंड ओके सो अच्छा नेक्स्ट इज यहाँ तक हमने कर लिया था हैट मीडिया हम यूज करेंगे और जब इम्पोर्टेंस ऑफ हाइब्रिडोमा का उस वक्त पता चला था जब कॉलर एंड मिलस्टीन को दे वर अवार्डेड नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन इन 1984। सो दे वर फॉर दिस अचीवमेंट दे वर प्रोवाइडेड दे वर अवार्डेड एज अ नोबेल प्राइज विनर दे वर द नोबेल प्राइज वर अवार्डेड टू देम। सो After that, अगर हम इस डायग्राम को देखें, so इस डायग्राम से पहले we should go for these three facts, the fact number one, fact number two, and fact number three. Fact number one क्या है? You already know कि HGPRT and GPRT or GPRT is necessary for the incorporation of purines in the ribonucleotides and then into the DNA or RNA. ठीक है? So this is the fact number one. ठीक है? कि HGPRT जो है वो important है purines के incorporation के लिए। Second, fact number two is that purines के de novo pathway को block करने के लिए aminopterin use करेंगे and aminopterin is the A in the hat media, ठीक है? So since synthesis of purines by cells if blocked by aminopterin, the DNA synthesis will be dependent on incorporation of purines from the culture media. अगर हम डिनोवो पाथवे को ब्लॉक कर दें तो सेल्स ने सैल्वेज पाथवे पे डिपेंड करना है, लेकिन सैल्वेज पाथवे के लिए क्या जरूरी है, एचजीपीआरटी जरूरी है, ठीक है। सो एंड सेल्स लैकिंग एचजीपीआरटी हमें अच्छा इस फैक्ट को देख लें, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट।
एंड दैट इज हमने ये नहीं पढ़ा अभी, अभी इसको देख लें कि HGPRT सेल्स, जिन सेल्स में HGPRT नहीं हो हमें किस तरह पता चलेगा कि इसमें HGPRT नहीं है वो, एंड सो दो सेल्स दैट विल लैक HGPRT विल बी रेजिस्टेंट टू 6 थायोगवानिन और 8 एज़ागवानिन. सो अगर हम, एंड दीज आर एक्चुअली द डेथ सिग्नल, ये डेथ सिग्नल है 6 थायोगवानिन या 8 एज़ागवानिन जो है, दीज आर एनालॉग्स ऑफ गवानिन, ये एनालॉग्स हैं बट दे आर डेथ सिग्नल. अगर सेल जो है 6 थायोगवानिन को या 8 एज़ागवानिन को अगर इनकॉर्पोरेट कर लें अपने DNA के अंदर तो क्या होगा, द सेल विल डाई. लेकिन अगर सेल में साल्वेज पाथवे काम नहीं कर रहा, HGPRT काम नहीं कर रहा, तो वो तो गवानीन ले ही नहीं सकता, चाहे 6 थायोगवानिन हो या 8 एज़ागवानिन हो या सिर्फ सिंगल सिंपल गवानीन हो, तो वो ले नहीं सकता, तो वो सेल सर्वाइव करेंगे. दैट मीन्स कि अगर हमने चेक करना है ये बी सेल्स, सॉरी ट्यूमर सेल्स को, कि इसमें HGPRT है कि नहीं, सो फॉर क्रॉस चेकिंग हमने क्या करना है, इन माइलोमा सेल्स को हमने ग्रो करना है, उस मीडिया में क्या ऐड कर देना है, 6 थायोगवानिन या 8 एज़ागवानिन को ऐड करना है. सो दीज सेल्स मस्ट बी रेजिस्टेंट टू दीज टू एनालॉग्स. अगर ये रेजिस्टेंट नहीं है तो दैट मीन्स the cells is not lacking HGPRT, they have HGPRT, they can survive the salvage pathway with the salvage pathway. So humne make sure karna hai ke salvage pathway kaam nahi kar raha, so humne media mein 6 thiogovanin se usko check karna hai initially. Matlab sir isme yani ki hamare paas guanin formation ko humne rokna hai, agar wo ruk gayi hai to uski base pe hum decide karenge ki HGPRT jo lack hai us medium. nahi ye है इस तरह, साल्वेज पाथवे क्या करेगा, मीडिया से क्या लेगा, एडिनिन या गवानिन लेगा. yes, ठीक है. अच्छा, अगर हम गवानिन की जगह 6 थायोगवानिन ऐड कर दें, 6 थायोगवानिन जब ऐड कर देंगे और सेल ने अगर 6 थायोगवानिन को ले लिया और DNA में इनकॉर्पोरेट कर दिया तो सेल डेड हो जाएंगे. ठीक है, सेल डेड का मतलब ये है कि HGPRT काम कर रहा था, इस वजह से सेल डेड हो गए हैं. ठीक है, और अगर डेड, हाँ अगर नहीं होगा, हाँ लेंगे नहीं, मींस के वो रेजिस्टेंट होंगे HGPRT को, तो सॉरी 6 थायोगवानिन को. सो अगर ये रेजिस्टेंट हुए सो इसका मतलब है कि ये माइलोमा सेल्स हम पहले चेक करेंगे, तो अगर ये रेजिस्टेंट हुए तो इसका मतलब है कि ये सेल जो है इनमें HGPRT नहीं है, इस वजह से ये 6 थायोगवानिन या 8 एज़ागवानिन नहीं ले सकते या गवानिन मीडिया से. इन दो सर जो हमारे पास केमिकल है इनकी इंसर्शन करवा रहे हैं उसके अंदर मीडिया. हाँ, इससे मेक श्योर करना है कि ये सेल जो है साल्वेज पाथवे को यूटिलाइज नहीं कर रहे. अगर ये सरवाइव कर गए तो इसका मतलब है कि इसमें इनमें HGPRT काम नहीं कर रहा, एंड दैट्स ओके एंड वी विल गो विद इट. ठीक है. अच्छा, ये जी जी मुझे नहीं समझ आई इस चीज की. अब हमने जब सैल्वेज पाथवे पढ़ा था उसमें हमने ये देखा था कि HGPRT जो है ना वो अगर नहीं होगा तो वो सैल्वेज पाथवे हमारा काम नहीं करेगा, लेकिन बी सेल्स के अंदर HGPRT था तो वो मल्टीप्लाई हो रहा था. अब इसके अंदर हम ये बात करेंगे अगर उसके अंदर नहीं होगा तो. हाँ, देखिए देखिए, नहीं ठीक है, आपकी बात ठीक है. हमने हमने परचेज किए माइलोमा सेल्स. जी, माइलोमा सेल्स हमने परचेज किए, हमने मेक श्योर करना है कि इन माइलोमा सेल्स में जो HGPRT है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा. ठीक है, सो हमने क्या करना है, माइलोमा सेल लेने हैं और इन माइलोमा सेल पे को ग्रो करना है पहले, उस पे इसके मीडिया में हमने ऐड करना है 6 थायोगवानिन या 8 एज़ागवानिन को ऐड कर देना है ये. ठीक है, जब ये मीडिया में ऐड करेंगे तो इन सेल्स को सर्वाइव करना है. अगर ये सेल सर्वाइव नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि ये जो माइलोमा सेल्स हैं ये म्यूटेंट नहीं है, इसमें जो साल्वेज पाथवे है ये काम कर रहा है. इस हमने जस्ट मेक श्योर करने के लिए कि इसमें साल्वेज पाथवे काम नहीं कर रहा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने जो पाथवे है हमने इसको वो करना है, हमने ये दिस इज जस्ट फॉर टेस्टिंग, हमने टेस्ट करना है कि ये पाथवे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा. ठीक है, समझ आ रही कि नहीं, कि अभी भी नहीं आई, आई वुड एक्सप्लेन, अगर नहीं आई तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं. सर नहीं आई मतलब, सर ये टेस्टिंग से पहले हो रहा है, मतलब जो हमने सारा प्रोसेस नीचे किया है ये उनसे
पहले हो रहा है मुझे तो कुछ समझ में एग्जैक्टली मतलब सर हमने जो परचेज किए हैं बाहर से हमने ये उसमें आइडेंटिफाई, बाकी तो हमें मतलब ऑलरेडी पता है कि 20 साल के अंदर साल्वेज पाथ वे है कि नहीं है, और उसके अलावा हमारे पास माइलोमा है जो उसके अंदर हमने ये चेक करना है कि उसमें साल्वेज पाथवे जो है वो कंटिन्यू है कि नहीं है, तो उसको चेक करने के लिए टेस्टिंग के तौर पे हम ये करेंगे कि उसके अंदर इंसर्शन करवाएंगे दो केमिकल्स की, उसकी बेस पे अगर वो फिर सेल में म्यूटेड हो जाएगा डेड हो जाएगा। देखिए हमने सेल ले लिए थे, कौन से लिए थे, वो म्यूटेंट सेल जिसमें वो ना हो HGPRT ना हो, यहाँ पे हम कह चुके हैं ना कि इसमें HGPRT नहीं है, ठीक है, तो HGPRT नहीं है, इन सेल को मेक श्योर करने के लिए कि इनमें वाकई HGPRT नहीं है कि है, क्योंकि ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सारा कुछ करके आखिर में अगर हमें पता चलेगा जो सेल लिए थे उसमें HGPRT काम कर रहा था तो वो बड़ा मसला बन जाता है, ठीक है। सो उसको मेक श्योर करने के लिए वी विल मेक श्योर कि दीज सेल्स लैक HGPRT, क्योंकि बाज़ औक़ात ये एक्वायर कर लेते हैं दोबारा। सो हमने क्या करना है, यहाँ से माइलोमा सेल लेंगे, माइलोमा सेल को मीडिया में पहले, सबसे पहले इसको मीडिया पे ग्रो करेंगे, ग्रो हो जाएंगे, फिर हम इस मीडिया में क्या ऐड करेंगे, 6-thiogwanin एनालॉग्स यूज करेंगे उसके, गवानीन के एनालॉग्स यूज करके 6-thiogwanin यूज कर लेंगे। तो अगर इन सेल्स ने गवानीन 6-thiogwanin को ऐड कर लिया, मीन्स के ले लिया मीडिया से, सो दे विल डाई, और डेथ का मतलब ये होगा कि नाउ ये सेल्स हमारे रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि इसमें ये जो HGPRT है काम कर रहा है, क्योंकि ये यहाँ से 6-thiogwanin ले रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ये सर्वाइव कर गए, अगर ये सर्वाइव कर गए सो दैट मीन्स कि इन सेल्स में 6-thiogwanin काम ये HGPRT काम नहीं कर रहा, एंड दीज आर द सेल्स दैट वी रिक्वायर। इसके बाद हमने इन सेल्स को 20 सेल्स के साथ फ्यूज करना है, ठीक है, और अमीनोप्टेरिन और वो सारी चीजें यूज करनी है, ठीक है। शुड आई गो फर्दर, ठीक है, हाँ। अब कोई इस डायग्राम को एक्सप्लेन कर दे, दिस इज द रेपिटेशन फॉर द प्रीवियस डायग्राम्स, कोई भी जिसने पहले एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, नेहा है, नेहा, नेहा इज देयर, जी नेहा, ओ यू हैव प्रॉब्लम विद माइक, ओके, सो मुश्ताक, मुश्ताक हैं, मुश्ताक इज देयर, मुश्ताक, ओके, रवीना, रवीना, रवीना बानो, जी सर, जी ये बताएं, ये डायग्राम देखें, एक दो मिनट ले लें और फिर बताएं कि इस डायग्राम में क्या है, ठीक है सर। सर हमने हमने इसमें एंटीबायोटिक की प्रोडक्शन करनी थी, तो हमने शुरू में हमने एंटीजन लिए और फिर एंटीजन को इंजेक्ट किया माइस के अंदर, फिर उससे हम हमारे पास रिक्वायर्ड एंटीबॉडीज बन गए, इसमें 4 types के एंटीबॉडीज बन गए जिसको पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज कहते हैं। फिर हमने उन एंटीबॉडीज को आइसोलेट किया, मतलब प्लाज्मा सेल्स को आइसोलेट किया, उसके साथ हमने माइलोमा सेल को साथ में उनको मिक्स कर दिया, प्लाज्मा सेल और माइलोमा सेल को, फिर उसका मतलब एक हाइब्रिड बन गया जिसको हाइड्रोमास कहते हैं। फिर उस हाइड्रोमास के अंदर हमने उसकी हमारी जो रिक्वायर्ड एंटीबायोटिक है उसकी प्रोडक्शन को चेक करने के लिए हमने हेड मीडियम के ऊपर उनको मतलब स्क्रीनिंग किया। स्क्रीनिंग करने के बाद हमें ये मतलब डिफरेंट क्लोन्स प्रोड्यूस हुए जिसके थ्रू हमने आगे एंटीबायोटिक्स मतलब रिक्वायर्ड एंटीबायोटिक्स हमें मिल गए, मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक्स। ठीक है रवीना, कोई और भी एक्सप्लेन कर दें, मिसबा शान, मिसबा, राहत रोशनी, राहत रोशनी इज देयर, अरीबा अकरम, अरीबा,
नेक्स्ट टाइम अगर कोई मुझे रिप्लाई नहीं करेगा तो आई विल रिमूव एंड आई विल नॉट वरी टू रिमूविंग. मैं बता दूं नहीं शारेज आप तो बता चुके हैं ना. लाइक मैं चाह रहा हूं कि और भी पार्टिसिपेट करें, लोग पार्टिसिपेट करें. मैं बताऊं अमन मुबशर जी सर एंटीजन लेंगे, पहले एंटीजन के डिफरेंट आइसोटोप है उसे माइस में इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास उसे फिर एंटीबॉडीज को प्लाज्मा से मतलब अलग करेंगे वो उसे मतलब सीरम हम आइसोलेट कर देंगे उसको तो उसमें डिफरेंट एंटीबॉडीज होंगी 1, 2, 3, और 4 से स्पेसिफाई कर देंगे उसको वहाँ से आइसोलेट करेंगे प्लाज्मा सेल्स को. प्लाज्मा सेल्स को आइसोलेट करके वहाँ पे मेलोमा सेल्स के साथ इंड्यूस करवाएंगे, दोनों हाइब्रिड बनेंगे यानी हाफ प्लाज्मा सेल और हाफ मेलोमा सेल्स. वहां से फिर सिलेक्ट करेंगे हम अपनी एंटीबॉडीज को जो हमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज स्पेसिफिक चाहिए उसके हम क्लोन्स करेंगे, क्लोनिंग करेंगे तो वहां से हमें स्पेसिफिक एंटीबॉडीज हमें मिल जाएंगी. ठीक है ठीक है. कोई और सर मैं बताऊं? जी बताएं बिल्कुल बताएं सर. ये मतलब जितनी मुझे अंडरस्टैंडिंग हो रही है फिगर से वो ये है कि मतलब जो एंटीजन है उसके डिफरेंट आइसोटोप्स हैं. अब हमारे पास एक सीरम जो है वो आइसोलेट हुआ है जिसमें एंटीबॉडी 1, 2, 3, और 4 है ठीक है. ये पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज हैं हमारी. अब जो हमारे पास आइसोलेट किए हुए थे उसमें से माउस में से स्प्लीन सेल्स हमने आइसोलेट किए थे उसको हमने माइलोमा सेल्स के साथ हाइब्रिडाइज करा दिया जिसके साथ ये दोनों का इंटरमिक्स बन गया. और उसके बाद सर हमने जो इन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज थी उसमें इन दोनों का जो ये एंटीबॉडीज हमारे पास डिफरेंट आई थी 1, 2, 3, 4 इनको सेपरेट किया और उसमें जो हमारे पास हाइब्रिडाइज किए हुए थे ये माइलोमा सेल्स और प्लाज्मा सेल उनको सेपरेट करके हर एक एंटीबॉडी में डिफरेंट ये डाल दिया. मतलब जैसे AB1 में उसने डाल दिया हुआ रेड कलर को और AB2 में ये क्लोन्स डाले हुए हैं डिफरेंट. तो इसने प्रिपरेशन की हुई है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की इस तरह मतलब प्रोसेस को. चले चले ठीक है अच्छा एक दफा इसको देख लें कि हमारे पास अगर कोई एंटीजन है तो उसके मल्टीपल एपिटोप्स हो सकते हैं ठीक है. और इन एपिटोप्स के अगेंस्ट या इम्यूनोजेनिक डिटरमिनेंट के अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज बनेंगी. इसको एंटीबायोटिक ना कहें एंटीबॉडीज हैं ठीक है एंटीबॉडीज हैं. तो इन ये एंटीबॉडीज अगर हम एंटी सीरा लेंगे तो इट विल हैव पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज. सो इन एंटीबॉडीज जो हैं हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि इसकी फिर एफिकेसी पे भी फर्क पड़ेगा और इसकी यील्ड भी कम होगी. सो अल्टरनेट क्या है हम एंटीबॉडीज को यूज़ ना करें, यहाँ से जो सेल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रहे थे हम वो सेल ले लें. हमने स्प्लीन के सेल लिए, स्प्लीन के सेल को हमने क्या किया कि माइलोमा सेल के साथ फ्यूज किया. लेकिन मेक श्योर कि दीज माइलोमा सेल्स विल बी HGPRT deficient cells, means these will be mutant myeloma cells. And एक और बात भी कि ये दोनों cells जो हैं ये same type के cells होंगे, means के ये भी same type के cells होंगे myeloma cells and these spleen cells. लेकिन these will be mutant, these will be cancerous cells, ठीक है. और it will have no HGPRT भी नहीं होगा. तो ये जब हम hybridize करवाएंगे, हम पहले discuss कर चुके हैं कि हमने इसको इसकी सिलेक्शन किस तरह करनी है, हैट मीडिया पे करनी है एंड वी हैव टॉक अबाउट दैट. सो हैट मीडिया पे हमने इसकी सिलेक्शन कर ली. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, वंस वी गेट हाइब्रिड्स, जब हमारे पास हाइब्रिड आ जाएंगे तो हाइब्रिड्स भी डिफरेंट टाइप के हाइब्रिड होंगे. हमने उन सारे टाइप्स के हाइब्रिड्स जो हैं जो हमारे पास उसके एंटीबॉडीज आएंगे, वी विल चेक दोज एंटीबॉडीज. हम ये चेक करेंगे कि दिस एंटीबॉडी इज ओके, दिस इज नॉट ओके फॉर अस, दिस इज ओके, दिस इज नॉट ओके फॉर अस. फिर हम इनमें देखेंगे कि कौन सा जो है वो जो एक्यूरेट है एंटीबॉडी एंड दैट्स वी नीड. हम सिर्फ इस सेल लाइन को सेलेक्ट कर लेंगे, बाकी को हम रिमूव कर देंगे ठीक है. सो दिस इज हाउ वी सेलेक्ट स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीबॉडी. सो इसके बाद ये सिलेक्शन है प्रोसेस. सो यहाँ भी हम एलाइजा करेंगे, this here yahan bhi we will do ELISA aur here we will do ELISA for this. hum yahan bhi ELISA karenge aur wahan bhi ELISA karenge to check ke antibodies ban rahi hai ki nahi ban rahi, theek hai. yahan bhi iske baad hai, theek hai. to ELISA step isse pehle hai, theek hai. so should we go further? yes sir. okay sir, so ji aage padhna hai. ji padhna hai. abhi time kya ho raha hai?
सर 5 मिनट रह गए हैं। हाँ ठीक है, जस्ट किसी स्लाइड पे पहुंच के ना टॉपिक अगर चेंज हो रहा होगा तो हम पे रुक जाएंगे वहां पे, ठीक है, क्योंकि टॉपिक के दरमियान नहीं रुकते किसी उस पे पहुंच के, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आखिरी स्लाइड है आगे। ओके सो अब जो है नेक्स्ट इज हमने मेक श्योर करना था, जिस तरह पहले बात हुई थी कि HGPRT या HPRT नेगेटिव माइलोमा हमने लेने हैं, उसको मेक श्योर किस तरह करना है, 8-azagovanin या 6-thiogovanin ऐड करके मीडिया में ऐड करेंगे, इनिशियली हम उसको कंफर्म करेंगे कि ये HPRT नेगेटिव है कि नहीं। तो हमने वो सेल लेने हैं जो HPRT नेगेटिव हों, तो उसका मतलब है कि वो रेजिस्टेंट होंगे 8-azagovanin को, तो वो सर्वाइव करेंगे उसमें। अच्छा एंड नेक्स्ट इज रिया एक, अब हमने मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनेंगे किस तरह, वी आर डन विद दैट, नाउ वी विल स्टडी हाउ वी कुड यूटिलाइज दीज एंटीबॉडीज फॉर फर्दर एक्सपेरिमेंट्स, हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम किस तरह इन उस एंटीबॉडीज को हम यूज कर सकते हैं। सो सबसे पहले रेडियो इम्यूनो एसे, एक बात याद रखें कि इम्यूनो एसे जितने भी हैं उसमें हम एंटीबॉडीज यूज़ कर रहे हैं, सो एंटीबॉडीज यूज़ करते हैं तो इस वजह से इसका नाम इम्यूनो रखा जाता है। तो और रेडियो इम्यूनो एसे का ये मतलब है कि कोई रेडियो एक्टिव आइसोटोप को लिंक किया जाता है, कंजुगेट किया जाता है विद द एंटीबॉडी, एंटीबॉडी के साथ वो लिंक किया जाता है और उन एसेज को हम रेडियो इम्यूनो एसेज कहेंगे। एंड दिस वर एक्चुअली द इनिशियल एसेज फॉर मेजरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट बायोलॉजिकली रेलेवेंट प्रोटीन्स हार्मोन्स इन बॉडी फ्लूइड्स, सो RIA कहेंगे रेडियो इम्यूनो एसेज। सो रेडियो इम्यूनो एसे आजकल तो बहुत कम यूज हो रहा है, लेकिन दिस वॉज इनिशियल इन द यूज, और इसमें क्या किया जाता है, हैज नाउ बीन रिप्लेस्ड बाय एंजाइम बेस्ड इम्यूनो एसे, अब जो है अब एंजाइम बेस्ड इम्यूनो एसे है, पहले रेडियो बेस्ड है ना, रेडियो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स थे वो यूज किए जाते थे, अब एंजाइम्स यूज किए जाते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की जगह। सम हार्मोनल मेजरमेंट्स आर स्टिल मेड यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी, स्टिल अभी भी कुछ एंजाइम्स जो है वो हार्मोन्स जो है वो डिटरमिन किए जाते हैं विद दिस टेक्नोलॉजी। सो In 1962, endocrinologist Bersin and Yellow designed an extensively, exquisitely sensitive technique to determine insulin and anti-insulin complexes in diabetic patients. So Yellow जो थी खातून, इसको फिर बाद में Nobel Prize भी मिला इस technique को determine करने में, and their technique soon proved its value for measuring hormones, serum proteins, drugs and vitamins at levels that were orders of magnitude lower than had previously been detectable. So then she got Nobel Prize in 1977, and at the time that was several years after Bersin's death. And most RIA techniques jo hai still are in use on the binding of antibody or antigen to a solid support, koi solid support hoga uske sath antigen ko add kiya jata hai ya antibody ko add kiya jata hai, to agar antibody ko add kiya gaya so usne phir kya kar, sorry is tarah nahi is tarah antibody ko add kiya gaya, सो एंटीबॉडी को ऐड किया जाता है सॉलिड सपोर्ट के साथ या एंटीजन को ऐड किया जाता है, अगर एंटीजन को ऐड किया गया तो उसके बाद उसके साथ एंटीबॉडी से उस एंटीजन को डिटेक्ट किया जाता है, या दूसरे केस में एंटीबॉडी से एंटीजन को डिटेक्ट किया जाता है। सो जिस तरह हमारे पास क्रोमेटोग्राफ में होता है एफिनिटी में, एक को हम स्टेशनरी फेज में रखते हैं दूसरे को मोबाइल में, एग्जैक्टली इसी तरह बिल्कुल इसी तरह, ठीक है। सो इसको आगे जाके डिटेल से हम पढ़ेंगे, सिर्फ ये इसके अब इनिशियल स्टेजेस हैं, इनिशियल स्टार्ट है कि हम ये किस तरह परफॉर्म करेंगे, ये RIA से शुरू होके ELISA और इस तरह आगे हम जाएंगे वेस्टर्न ब्लॉट पे, ठीक है। सो अब जो है, सो दिस वॉज द बेसिस, और वो सॉलिड सपोर्ट क्या है, दैट कुड बी अ पॉलीस्टायरीन और पॉलीविनाइल क्लोराइड वेल्स ऑफ अ माइक्रो टाइटर प्लेट। सो अब इसके बाद रेडियो एक्टिव लेबल दैट इज मोस्ट कॉमनली यूज इज आयोडाइड 125 जो है दैट इज बीन यूज एज अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप, और इस ये क्या करेगा कि टायरोसिन एक्सपोज रेजिड्यू जितने भी प्रोटीन्स में है तो उसके साथ वो बाइंड करेगा, एंड उसकी रेडियो एक्टिविटी को हम चेक करेंगे, जितनी ज्यादा रेडियो एक्टिविटी होगी तो दैट मीन्स उतना ज्यादा वो प्रोटीन अवेलेबल है उसमें, एंड दिस इज एक्चुअली अ कॉम्पिटिटिव एसे
यहाँ पे साइटोकाइन लिए गए हैं जो अनलेबल्ड हैं और यहाँ पे लेबल्ड साइटोकाइन लिए गए हैं। तो इसका मतलब है कि अगर हम जितने साइटोकाइन जो हैं अनलेबल्ड वो ज़्यादा करते जाएंगे, अनलेबल्ड ज़्यादा होते जाएंगे तो रेडियोएक्टिविटी उतनी कम होती जाएगी, और अगर अनलेबल्ड कम होते जाएंगे सो दैट इज़ द वाइस वर्सा, सो ये रेडियोएक्टिविटी ज़्यादा होती जाएगी एंड सो एंड दैट्स इट। ठीक है, अच्छा अब ELISA टेक्निक है, ELISA टेक्निक में करते क्या है, दिस फॉलोज RIA टेक्निक। सो ELISA टेक्निक में क्या है, ELISA इज एक्चुअली एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। अब इस एसे में क्या करते हैं कि इसमें एक एंजाइम को यूज करते हैं और उस एंजाइम के साथ एक वो एंटीबॉडी के साथ लिंक करते हैं उस एंजाइम को और उसका सबस्ट्रेट ऐड करते हैं फिर, और अगर फिर हमें कलर मिल गया सो दैट विल मीन द एंजाइम इज देयर, इफ द एंजाइम इज देयर सो दैट मीन्स कि एंटीबॉडी इज देयर, एंटीबॉडी का के प्रेजेंस का मतलब यह है कि एंटीजन इज देयर। सो दिस इज हाउ The ELISA is based on, so product हमें मिलने का मतलब यह है कि antigen is zero. So ELISA can be performed either on monoclonal antibody or polyclonal antibody. दोनों type के antibody हम use कर सकते हैं, लेकिन reliable कौन से हैं, result जिसके reliable हैं that is monoclonal antibody. So अब ये तीन type के ELISA हैं and these are most important ELISA types. The first one is indirect ELISA, second one is sandwich ELISA, the third one is कॉम्पिटिटिव ELISA. अब इनडायरेक्ट ELISA क्या है, अगर हमने एंटीबॉडी को डिटेक्ट करवाना है तो उसके लिए बेहतर यह है कि हम इनडायरेक्ट ELISA यूज कर लें। इनडायरेक्ट ELISA में क्या होगा कि वेल को हम कोट कर लेते हैं एंटीजन के साथ, एंटीजन कोट कर लेते मींस के उसके साथ बाइंड करवा देते हैं एंटीजन को, जब एंटीजन को बाइंड करवा देते हैं उसके बाद वॉशिंग स्टेप है उसको वॉश कर लें ताकि अनबाउंड जो एंटीजन है वो रिमूव हो जाए। वॉशिंग के बाद फिर उसके साथ जो कॉम्प्लीमेंट्री उसका रिक्वायर्ड एंटीबॉडी है वो ऐड कराए जाते हैं। एंटीबॉडी ऐड करने के बाद बहुत सारे एंटीबॉडीज जो हैं वो बाइंड कर जाएंगे विद द एंटीजन, उसके बाद वॉशिंग स्टेप है। वॉशिंग के बाद क्या करेंगे, उसके बाद सेकेंडरी एंटीबॉडी यूज कर लेंगे। अब ये सेकेंडरी एंटीबॉडी जो है दिस विल बी, इसने किसके साथ बाइंड करना, इसने एंटीबॉडी के साथ बाइंड करना है, सो दिस विल बी एंटी एंटीबॉडी। ये सेकेंडरी एंटीबॉडी जो है ये एंटी एंटीबॉडी है, इसके साथ एक एंजाइम लिंक्ड होगा। ठीक है, एंजाइम ने लिंक्ड होना इसके साथ। अब इसके बाद वॉशिंग स्टेप है, जो सेकेंडरी एंटीबॉडी अनबाउंड रह गए हैं ताकि हम उसको रिमूव कर लें, उसके बाद हमने सबस्ट्रेट को ऐड करना है और इसने क्या करना है, हमें कलर देना है। सो द मोर द कलर द मोर द एंटीजन इज। ठीक है, अच्छा अब एक बात ये भी समझ लें कि हमने एंटीबॉडीज को कहाँ पे रेस किया था, हमने रेस किया था माइस के अंदर। अब सेकेंडरी एंटीबॉडी को हमने कहाँ पे रेस करना है, ये प्राइमरी एंटीबॉडी के अगेंस्ट होना चाहिए, सो ये किसी और एनिमल स्पीशी में रेस करेंगे, लाइक दिस कुड बी रेस इन गोट्स और इन हॉर्सेस। सो दिस विल बी, अगर ये हमने माइस के अंदर किया हुआ है तो इसको रैबिट के अंदर कर लें। सो दिस कुड बी सेकेंडरी एंटीबॉडी, द एंटी एंटीबॉडी कुड बी द माइस एंटी माइस एंटीबॉडी, ये एंटी माइस एंटीबॉडी होंगे। अगर इसको हमने माइस रैबिट के अंदर किया हुआ है सो एंटी रैबिट एंटीबॉडी को होना चाहिए सेकेंडरी एंटीबॉडी को, ठीक है, ताकि वो इसके साथ बाइंड कर सके। अच्छा जो अब सैंडविच ELISA में क्या होगा, अगर हमने एंटीजन को डिटेक्ट करना है सिंपली, सर ये फर्स्ट में जी फर्स्ट में जो लास्ट स्टेप में सबस्ट्रेट ऐड किया है, ये सबस्ट्रेट क्या है, ये एंजाइम और सबस्ट्रेट रिएक्शन है ना, कोई भी सबस्ट्रेट हो सकता है जो एंजाइम इसका होता है ना, तो इस एंजाइम के अगेंस्ट कोई भी उसका सबस्ट्रेट यूज करेंगे तो दिस इज सिंपल एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन। ठीक है, हमने जस्ट ये चेक करना है कि वो एंजाइम मौजूद है कि नहीं, तो उसका सबस्ट्रेट उस एंजाइम का कोई भी सबस्ट्रेट हो एंजाइम हो सकता है, ठीक है, तो उसका सबस्ट्रेट हम यूज कर लेंगे। ठीक है, तो वो हमें कलर देगा और कलर के बेस पे हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कलर अगर नहीं है तो हम कोई डिटेक्ट नहीं कर सकते, कोई हमें पता नहीं चलेगा। ठीक है, एंड नॉर्मली येलो कलर ही हमें हमारे पास आता है, फॉस्फोरिक एसिड या इस तरह कोई चीज हम यूज कर लेंगे जिसकी वजह से हमें फिर कलर मिलता है। ठीक है, और नहीं आया कि ये जो सेकेंडरी आपने एंटीबॉडी ऐड की है ये सिर्फ किस लिए ऐड की है, कौन सी एंटीबॉडी जो सेकेंडरी है, जो एंटी एंटीबॉडी है। अच्छा देखें, हमने प्राइमरी एंटीबॉडी, दिस विल बी द प्राइमरी एंटीबॉडी तो हमने ऐड कर दी है, लेकिन हमें पता नहीं चलेगा कि एंटीबॉडी ऐड हुई है कि नहीं, तो उस प्राइमरी एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए सेकेंडरी एंटीबॉडी हम ऐड करेंगे।
ठीक है, जब सेकेंडरी एंटीबॉडी ऐड करेंगे तो उसके साथ एंजाइम लिंक्ड है, इसने हमें बताना है कि एंटीबॉडी बाइंड हुई है कि नहीं. सो दिस विल बी इनडायरेक्ट एलाइजा. अब सैंडविच एलाइजा को समझ ले, ये सारी चीजें कनेक्टेड हैं. एक दफा सारी चीजों की समझ आ जाएगी तो सबकी समझ आ जाएगी. वो एक दफा गो थ्रू हम अगर कर रहे हैं. जी जी सर, मुझे क्वेश्चन पूछना है, प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ नहीं एंजाइम लगा सकते? प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ लगा सकते हैं, लेकिन प्राइमरी एंटीबॉडी जो है वो हमें फिर इसके इसका इस तरह करेंगे या इसमें भी यही है. लेकिन प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ अगर हम एंजाइम लगा दें तो हमने एंटी लाइक एक सिचुएशन एक देख लें. हमने इस तरह करना है, कोई एचसीवी का पेशेंट है, ठीक है, और हमने ये देखना है कि उसमें एंटीबॉडीज कितनी हैं, एंटीबॉडीज हैं कि नहीं. मीन्स के हिस्ट्री में उस एक बंदे को एक बंदे को इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं. हमने ये देखना है कि फॉर इंस्टेंस एक पेशेंट है और उसको डेंगी हुआ है कि नहीं प्रीवियसली, ठीक है, अभी उसको एचसीवी इन्फेक्शन है. हम डेंगी के एंटीबॉडीज देखना चाह रहे हैं. तो प्रीवियस इन्फेक्शन का मतलब ये है कि उस बंदे में एंटीबॉडीज मौजूद होंगे. अब वो एंटीबॉडीज हमने डिटेक्ट करने हैं. तो अगर हमने डेंगी का करना है तो हमने डेंगी के कोर प्रोटीन ले लेंगे, ठीक है, डेंगी के एंटीजन ले लेंगे, सरफेस एंटीजन, डेंगी के सरफेस एंटीजन को कोट कर लेंगे, उसके बाद ब्लड ले लेंगे पेशेंट का एंटीसीरा और वो यहाँ पे ऐड कर, तो उसके साथ तो एंजाइम बाउंड नहीं होगा ना. तो अब जब हम सेकेंडरी एंटीबॉडी यूज करेंगे तो दैट विल बी एंटी ह्यूमन एंटीबॉडी होंगे वो, ठीक है. तो ठीक है तो वो उस एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए होंगे. ओके सर, समझ आ गई. समझ आ गई है. अच्छा, अब सैंडविच एलाइजा क्या है? सैंडविच एलाइजा में ये होता है कि एंटीबॉडी को फर्स्ट कोट कर लें वेल में, जब कोटिंग के बाद वॉशिंग कर लें, उसके बाद एंटीजन को ऐड कर लें, ठीक है, उसके बाद फिर वॉशिंग, फिर सेकेंडरी एंटीबॉडी. बट नाउ दिस सेकेंडरी एंटीबॉडी विल नॉट बी एंटी एंटीबॉडी. दिस सेकेंडरी एंटीबॉडी जो है ये उस एंटीजन का कोई और एपिटोप जो है ये उसके साथ बाइंड करे, क्योंकि एक एपिटोप के साथ ये वाली एंटीबॉडी बाइंड कर रही है, ठीक है. सो अब जो है ये सेकेंडरी एंटीबॉडी के साथ जो है एंजाइम लिंक्ड है. अब अगर हम सबस्ट्रेट यूज कर लें तो दिस विल गिव अस कलर. सो द मोर द कलर द मोर एंटीजन इज, द मोर द कलर हियर द मोर एंटीबॉडीज आर, ठीक है. और थर्ड जो है वो दैट इज कॉम्पिटिटिव एलाइजा. कॉम्पिटिटिव एलाइजा में इनिशियली एक स्टेप है, उसको समझ लें कि हमने क्या करना है, एंटीबॉडी और एंटीजन को मिक्स करना है. लाइक इसमें एंटीजन को मेजर करना है. एंड अब हम ये देख रहे हैं कि एक्टिव इन्फेक्शन कितनी है एक पेशेंट के अंदर, वायरस कितना है. लाइक मैं जस्ट वायरस ईजी है तो उसको एग्जाम्पल के तौर पर कि वायरल लोड कितना है, ठीक है. सो मैं इस क्या करूँगा कि मैं ब्लड लूंगा, वायरस जो है वो लूंगा एंटीजन, उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी है उसकी कंसंट्रेशन मुझे पता है, ठीक है. तो नॉन कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबॉडीज में लूंगा और ब्लड लूंगा पेशेंट से. सो उसके साथ इसको पहले इंक्यूबेट करूंगा तो कुछ बहुत सारे एंटीजन जो है वो एंटीबॉडी के साथ बाइंड कर जाएंगे, कुछ एंटीबॉडीज जो है वो बाइंड नहीं करेंगे. मीन्स के दे विल रिमेन अनअटैच्ड. और ये क्या करेंगे, उसके बाद मैं क्या करूंगा, प्लेट ऑलरेडी कोटेड है, ठीक है, उनके साथ ये एंटीबॉडीज बाउंड हो जाएंगे. जो ऑलरेडी बाउंड एंटीबॉडी है वो दे विल नॉट बाइंड देयर. और उसके बाद वॉशिंग स्टेप, दिस विल बी रिमूव्ड, ठीक है. और ये कुछ एंटीबॉडीज रह जाएंगे, उसको एंटी एंटीबॉडी मीन सेकेंडरी एंटीबॉडीज यूज करके अगर कलर मेरे पास कम आ जाए तो दैट विल मीन के एंटीजन ज्यादा है. कलर ज्यादा आ जाए तो दैट विल मीन एंटीजन कम है. सो दैट विल इनवर्सली प्रोपोर्शनल. दिस विल मीन कि अगर हमारे पास 10 एंटीबॉडीज हैं और 5 एंटीजन हैं, ठीक है, तो हमारे पास एक कलर आ गया. अब अगर हमारे पास 10 एंटीजन हैं, ठीक है, और 10 एंटीबॉडीज मौजूद हैं, तो हमारे पास कोई कलर नहीं आएगा. सो दैट विल मीन एंटीजन को अगर हम ज्यादा करते जाएंगे तो कलर कम होता जाएगा, ठीक है. एंटीजन कम है तो कलर ज्यादा होता जाएगा, ठीक है. सो दिस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, द एंटीजन एंड द कलर, ठीक है. सो दिस इज कॉम्पिटिटिव एलाइजा एंड दैट्स इट. सो दीस थ्री टाइप्स ऑफ एलाइजा आर देयर, यू गो थ्रू इट. कोई क्वेश्चन हो तो हम नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं. तो एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन राइट नाउ. सो ये जो लास्ट वन है कॉम्पिटिटिव एलाइजा, इट डजंट मेक एनी सेंस के कंपटीशन हो, मतलब क्या वो. अच्छा सर, ये दोबारा बता दे एक दफा उसकी समरी. अच्छा, किसी को समझ आई है तो वो बता दें प्लीज, अगर किसी को समझ आई है.
लाइक समझ जाइए, लेकिन ये उसका ना वो क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है okay. पहले हम उसको जितनी आपको समझ आई है वो बता दें, चलें चलें मैं उसके फिर कंटिन्यू कर लूंगा उसके। अच्छा हमने पहले वो आपने कहा कि पहले हमने एंटीजन लेनी है और एंटीबॉडीज लेनी है, उनको आपने आपस में वो करवा दिया, कुछ जो एंटीजन होंगे वो एंटीबॉडीज के साथ अटैच हो जाएंगी और कुछ जो होंगी वो नहीं होंगी, फिर हमने वो ही सरफेस पे एंटीजन को अटैच करवाना है और जो अटैच नहीं हुई हुई बाहर जो एंटीजन थी वो इनके साथ आके अटैच कर देंगे, फिर वॉशिंग का प्रोसेस होगा और जो पहले अटैच हुई हुई थी बाहर इस मिक्सचर के वो वॉश आउट हो जाएंगी और फिर हम एंटी एंटीबॉडी लेंगे यानी सेकेंडरी लेंगे और फिर वो कलर आएगा, फिर वही चीज है पता नहीं हम करके। अच्छा देखें देखें हमारे पास एक पेशेंट है और मैंने ये देखना है कि उसमें वायरल लोड कितना है, ठीक है ये वायरसेस कितने हैं। हाँ जी ठीक है, अब मेरे पास एक नॉन अमाउंट में एंटीबॉडी मौजूद है, मैं 10 मैं वैसे एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ कि 10 एंटीबॉडी मैं यूज कर लेता हूँ एक सोल्यूशन के अंदर, ठीक है, और वायरल लोड जो है वो 3 है, एक पेशेंट में 3 है, एक में 5 है, एक में 7 है एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, तो 3 वाला क्या करेगा कि 3 एंटीबॉडीज को बाइंड कर देगा, 7 एंटीबॉडीज जो है वो इस तरह रह जाएंगी, ठीक है, सो वो यहाँ पे बाइंड कर जाएंगे सारे 7, ठीक है, तो अब उसके साथ सबके साथ सेकेंडरी एंटीबॉडीज ऐड हो जाएंगे, सब ने सबस्ट्रेट को यूटिलाइज कर लिया और हमारे पास बहुत सारा कलर आ गया। ये फिर क्वांटिटेटिव एक तरह का हुआ क्योंकि हमने स्क्रीनिंग करनी है ना, हमने 3 को एक पेशेंट में 3 एंटीजेंस थे, ठीक है, एक पेशेंट में 7 एंटीबॉडीज लाइक 6 एंटीबॉडीज हैं, ठीक है, सॉरी 6 एंटीजन है, तो 6 एंटीजन का मतलब ये है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 4 एंटीबॉडीज रह जानी है अनऑक्यूपाइड, ठीक है, 4 ने यहाँ पे बाइंड करना है, 4 के सेकेंडरी एंटीबॉडीज उसके साथ 4 के साथ बाइंड हो जाएगी और हमारे पास कलर जो है वो क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा, सो क्योंकि वो 4 रह गए, यहाँ पे 7 थी और यहाँ पे 4 है, ठीक है, सो कलर जितनी तो जितनी मतलब एंटीजन जितना बढ़ता जाएगा तो उतना कलर कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, यहाँ पे एंटीबॉडीज जितनी ज्यादा हैं, ठीक है, यहाँ पे एंटीजन जितना हाँ तो उतना ज्यादा होगा, यहाँ पे जितना एंटीबॉडीज जितने ज्यादा हैं तो कलर उतना ज्यादा होगा दोनों के केस में, ठीक है, और यहाँ पे एंटी वाइस वर्सा है, ठीक है, समझ आ रही है ये तीनों कॉन्सेप्चुअली तीनों क्या हैं, ठीक है, समझ आ रही ना, इजी है, आ गए हैं सर समझ, सो दैट्स गुड दैट्स गुड। पूरी क्लास को समझ आई है ना कि या दो तीन लोगों को समझ आई है सर, ये जो तीसरा वाला था ना कंपैरेटिव वाला, हमने उसमें अलहदा से पहले सोल्यूशन में उसको बाइंड करवाया एंटीजन और एंटीबॉडी को, फिर उसी पूरे सोल्यूशन को आगे ट्रांसफर किया दूसरे में। एग्जैक्टली सिप्तुल हसन बिल्कुल इसी तरह है, हमने पहले उसको इनक्यूबेट किया है, फिर हमने इसको ट्रांसफर किया है, ये ऑलरेडी प्लेट इस तरह हमारे पास रेडी होगी, वो मौजूद होगी, लेकिन हमने एंटीजन और एंटीबॉडी को पहले इनक्यूबेट करना है, तो आपस में जब बाइंड करने जो रिमेनिंग एंटीबॉडी है वो बाइंड करेंगे इसके साथ। सर ये और पहले वाले में जब हमने वो प्राइमरी हमारी एंटीबॉडी थी वही हमारी स्पेसिफिक एंटीबॉडी थी ना जिसको हमने चेक करना था कि प्रेजेंट है या नहीं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, अब सिंपली यहाँ पे हमने एंटीबॉडी को चेक करना है, पैसिव इम्यूनिटी को चेक करना है, ठीक है, यहाँ पे हमने एक्टिव इम्यूनिटी को एंटीजन को चेक करना है, अगर वायरल अटैक हुआ है और हमने देखना है कि वायरल वायरस मौजूद है कि नहीं, तो हमने एक्टिव इन्फेक्शन को चेक करना है, यहाँ पे हमने एक्टिव इन्फेक्शन को चेक करना है, मींस के एंटीजन को चेक करना है, लाइक आपने एंटीबॉडीज को एक पेशेंट में चेक करना है सो गो फॉर इनडायरेक्ट इलाइजा, आपने अगर एंटीजन को चेक करना है गो फॉर सैंडविच इलाइजा, अगर आपने देखना है कि लोड कितना है इस यहाँ से भी अंदाजा हो जाता है वैसे, लेकिन कॉम्पिटिटिव इलाइजा इज मोस्ट रिलायबल, उसको ये बहुत ज्यादा रिलायबल है सब कॉम्पिटिटिव इलाइजा, वो कंसेंट्रेशन से हमें पता चल जाता है कि वायरल लोड कम है या ज्यादा है, ठीक है। सेकेंडरी जो हम एंटीबॉडी बनाते हैं ना तो वो उसकी एफिशिएंसी यानी कि जो स्पेसिफिसिटी होती है वो उसके एफसी रिसेप्टर के हिसाब से होती है। एग्जैक्टली बिल्कुल इसी तरह है, इसी तरह ठीक सर जी। ये जो हमने रिया में पढ़ा है कि इंसुलिन की कंसंट्रेशन फाइंड करना चाहते हैं कि ब्लड में कितनी है, तो हम तो कुछ सीसी ब्लड लेंगे ना पेशेंट में से, तो ओवरऑल कैसे बता सकते हैं कि उसमें ब्लड में कितनी कंसंट्रेशन है, हमने तो कुछ सीसी देखें वो इसी तरह होता है, अब कंसंट्रेशन को इसी तरह करते हैं कि इतने उसमें ml में इतना इतने इतना लोड है इतने वो हैं, वो ml में ही होते हैं, इस तरह नहीं होता कि प्योर ह्यूमन में कितने हैं।
सर वो प्रोबेबिलिटी की बेस पे हम डिसाइड करते हैं ना, मतलब उसमें कितना है उसकी प्रोबेबिलिटी बॉडी में क्या है, मतलब कि एमएल के हिसाब से हम देख लेते हैं कि इतने एमएल में इतना है, फिर ओवर क्या कर लेते हैं। हां बिल्कुल, कि कितना लोड होगा कितना होगा, ठीक है बिल्कुल। इसी तरह यार सुफयान आपने प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट नहीं पढ़ी? ठीक है, शुड वी स्टॉप हियर, और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। क्योंकि जब तक हमें समझ नहीं आएगी हमने आगे नहीं जाना ना, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। और हमने फिर आगे जाना, आगे फिर वेस्टर्न ब्लॉटिंग की तरफ जाएंगे, तो इसके बाद वेस्टर्न ब्लॉटिंग है कि उसको हम किस तरह करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आ गई ना, इजी है? जी सर आ गई है समझ। दैट्स गुड। So, okay, Aksa Azam, Aksa Azam hai aaj? Aksa Azam is absent. Fiza, Fiza is absent. Hafsa Sarfaraz is present. Irsa, Irsa Tabassum. Irsa is absent. Isra Tariq, Kainat Yasin, Kainat Yasin hai? सर उसका डिस्कनेक्ट हो गया। काशिफ अली इज प्रेजेंट। किरण फारूक, किरण फारूक है कि नहीं? किरण फारूक इज एब्सेंट। हारिस इज प्रेजेंट। ताहिर इज प्रेजेंट। मुशर्रा इज प्रेजेंट। नेहा इज प्रेजेंट। समाद, समाद है? समाद, समाद इज एब्सेंट। शिबा मलिक। अनशरा, अनशरा इज प्रेजेंट। ओके अनशरा यू आर प्रेजेंट। ओके next class is BT313. okay, Afifa Khalid, Aiman Mubashir. Aiman Mubashir hai? Yes sir. Theek hai. Amber, Amber Azhar. Present sir. Amna Azam. Akil Ahmed hai? Akil Ahmed. Yes. Okay, Ariba Akram. Ji, theek hai. Present sir. Atiya Kamal is present. Hira Khan is present. Ikra, Ikra hai? Ikra Naeem. Present sir. Present sir. Ikra Shahid. Sir, Ikra Shahid present thi, wo abhi uska net disconnect hua. Theek hai. Mashal Zahra. Present sir. Maimuna Zaidi. Masuma Zaidi. Masuma Zaidi. Misbah, Misbah Shan is present. Moiz, Moiz is present. Asif is present. Mushtaq is present. Saqib Nawaz is present. Sufyan. राहत रोशनी है? राहत रोशनी, राहत रोशनी है। आई थिंक शी वाज प्रेजेंट। यस सर वो प्रेजेंट थी, अभी नहीं है। चलें ठीक है। रवीना बानो इज प्रेजेंट। रेहान अहमद, रेहान है? रेहान यस सर, रेहान और ठीक है। रेहान अरशद, रेहान अरशद इज एब्सेंट। रिदा करीम प्रेजेंट। रिमशा वहीद इज प्रेजेंट। रोहमा ताहिर इज प्रेजेंट। सदाकत हुसैन इज प्रेजेंट। समिया अरशद, समिया अरशद यस सर प्रेजेंट। ठीक है। समिया मुख्तार प्रेजेंट सर। समरा मुस्तफा यस सर। सना जफर इज प्रेजेंट। शगुफ्ता अरशद इज प्रेजेंट। शारेज बट इज प्रेजेंट। शिजा इशफाक, शिजा इशफाक है? शिजा, शिजा इज एब्सेंट। सितारा तनवीर इज प्रेजेंट। सिप्तुल हसन इज प्रेजेंट। तूबा, तूबा है? तूबा, तूबा इज एब्सेंट। जैनब जाहिद, जैनब जाहिद है? जुनेरा नसीम इज प्रेजेंट। जुनेरा जाहिद, जुनेरा जाहिद है? ठीक है। सो जैनब जाहिद इज एब्सेंट, तूबा इज एब्सेंट, शिजा इज एब्सेंट, रेहान इज एब्सेंट, रेहान अरशद एंड मिसबा, ओके ठीक है, वो तो डॉर्मेंट आ रहे हैं, ठीक है। सो सो वाइवा डेट का पता है ना? आई शेयर द डेट्स एंड एवरीथिंग एल्स। यस सर। 18 है शायद। ठीक है जी, जी
एक्सक्यूज मी सर, ये वाइवा क्या फाइनल का है? ये असल में सेशंस का है, फाइनल का नहीं पता, फाइनल का तो पेपर होगा ना। अच्छा अच्छा, तो सर ये मिट की जगह है? जी जी मिट की जगह है। जी जी ठीक है, चले चले, आई शुड स्टॉप शेयरिंग एंड अगर कोई क्वेश्चन नहीं है सो वी शुड डिसकंटिन्यू क्लास। ठीक है, एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।